हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? मैं केमिस्ट्री वाले सर, थोड़ा सा केमिस्ट्री वाले सर चैनल में हमने केमिस्ट्री वर्ड में TREE किया है, तो जब भी सर्चिंग हो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें तो पक्का उस जगह पर हम ये ध्यान रखें कि केमिस्ट्री की स्पेलिंग में TREE किया है हम लोगों ने। तो आज का टारगेट हमारा है 27 जनवरी से लेकर जो 1 फरवरी तक हमने जेई के मेंस के पेपर देखे हैं, 10 पेपर, 300 क्वेश्चन, उनको सिंगल शॉट में हम सोल्व कर डालें। तो जुड़े रहिएगा केमिस्ट्री वाले सर के साथ में इस टाइप की वैल्यूबल वीडियोस देखने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पेपर 27th का है, 27th की मॉर्निंग वाली जो शिफ्ट थी उसके अंदर टू न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय अ लिंकेज। देखो, जब न्यूक्लियोटाइड्स की बात करें तो डीएनए आरएनए में पहुंच गए हो, चैप्टर का नाम है बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है जी, बायोमोलिक्यूल्स। तो क्या वहां फॉस्फोडाइस्टर लिंक है, क्या वहां ग्लाइकोसिडिक लिंक है? ये तो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर होता है, ये तो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर होएगा। और बाकी अगर आप पढ़कर जाएंगे, मान लीजिए आपने बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो सीधे क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे होंगे आप, तो क्या ये डाइसल्फाइड लिंक है? डाइसल्फाइड लिंक हम प्रोटीन्स के अंदर ढूंढते हैं, और वो भी आपके पास सी, मैंने कोड बनाया बच्चों को, सी एम सेरीन मिथियोनिन, जहां आपको अमाइनो एसिड दिखते हैं। दो आंसर तो सीधे सीधे हमारे रिजेक्ट हो गए। पेप्टाइड अगेन कहां होएगा? प्रोटीन्स में। तो एक ही टाइप का लिंक बच रहा है जिसका आंसर हम यहां टिक करने वाले हैं, वो है फॉस्फोडाइएस्टर लिंक, फॉस्फोडाइएस्टर लिंक। तो ध्यान से देखिए आप, ये आपके पास शुगर है, ये बेस है। 2023 की जो नीट का पेपर था वहां भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। ये बेस है, ये शुगर है, यहां आपके पास 5 डैश और ये 3 डैश है, तो इस जगह पर फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। तो जब हम डीएनए आरएनए पढ़ रहे हो तो इस टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स, क्लियर है, न्यूक्लियोटाइड्स जब तीनों जुड़ जाए, बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फोरिक एसिड फॉस्फेट, तो उसको न्यूक्लियोटाइड, अदरवाइज क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड। इसके लिए थोड़ा सा हमें मूव करना पड़ेगा, चैप्टर का नाम होएगा बायो मोलिक्यूल। चलो जी, ये आइसोमेरिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। आइसोमेरिज्म के अंदर हाईएस्ट इनोल कंटेंट बच्चों से पूछ रहा है, तो हाईएस्ट इनोल कंटेंट जब भी देना हो, हाईएस्ट इनोल कंटेंट जब भी देना तो देखना पड़ेगा इनोल की स्टेबिलिटी कहां ज्यादा है, विल बी शोन बाय। तो जब मैं इसका स्ट्रक्चर आफ्टर द टोटोमेरिज्म बनवाऊंगा तो कहीं ना कहीं रेजोनेंस मुझे कम दिखता है, लेकिन जब मैं इसके अंदर टोटोमेरिज्म करवाऊंगा, इसके अंदर टोटोमेरिज्म करवाऊंगा, यहां मैं टोटोमेरिज्म करवाऊंगा, तो इस स्ट्रक्चर के अंदर कंप्लीटली मुझे एरोमेटिसिटी ऑब्जर्व हो रही है। एरोमेटिसिटी, यहां से टोटोमेरिज्म इसमें करवा दो, यहां से टोटोमेरिज्म इसमें करवा दो, इस जगह से टोटोमेरिज्म यहां करवा दो। तो ये फिनोलिक स्ट्रक्चर में 135 ट्राइहाइड्रोक्सी बेंजीन बन गया, जिसको फ्लोरोग्लूसिनोल भी आप बोलते हो, तो एक स्टेबल स्ट्रक्चर बना हुआ है। और जहां भी आप हाईएस्ट इनोल कंटेंट की बात करो तो अपने दिमाग में परमानेंटली डाल लो, जब वो हाईएस्ट इनोल कंटेंट की बात करे तो अपने दिमाग में परमानेंटली डाल लो कि वो आपसे बात किसकी कर रहा है, कि जो इनोल बने वो किसी भी वजह से, चाहे वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, चाहे वो एरोमेटिसिटी की वजह से, या फिर वो कहीं ना कहीं जो इनोल कंटेंट है उस सॉल्वेंट जो दिया है वो नॉन पोलर टाइप का हो, तो ये एक फैक्टर्स है जो इनोल कंटेंट को स्टेबलाइज करते हैं, उसमें से जो एरोमेटिसिटी वाला कॉन्सेप्ट है वो यहां अप्लाई हो रहा है। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, एलिमेंट डू नॉट शोइंग, एलिमेंट नॉट शोइंग द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करनी है तो ब्रोमीन में 1,3,5,7 है, तो जो फर्स्ट मेंबर है, जैसा कि पी ब्लॉक एलिमेंट का अब 2024 का सिलेबस है कि आपको फर्स्ट मेंबर का एनोमलस बिहेवियर पढ़ना है, तो आयोडीन अगेन 1,3,5,7 वैलेंसी शो करेगा, क्लोरीन अगेन 1,3,5,7 वैलेंसी शो करेगा, तो जो फ्लोरीन है वो बेचारा एक वैलेंसी के साथ ही जिंदा है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये ऑक्सीडेशन स्टेट में, मान लीजिए मैं ब्रोमीन की बात ही कर रहा हूं, तो Br2 हमारे पास है, Br2 O3 भी हमारे पास है, Br2 O5
ब्रोमिक एसिड से और क्लोरीन की बात करूं तो Cl2O7 पर क्लोरिक एसिड से बन जाता है। तो जब भी मैं ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन की बात करूं तो ये 1357 वैलेंसी शो कर पा रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर पा रहे हैं, जबकि फ्लोरीन इस नेचर में नहीं आ पा रहा है। तो केमिस्ट्री वाले सर आपसे डिस्कस कर रहे जेई के 27 से लेकर लास्ट फर्स्ट फेब तक के सारे क्वेश्चंस का यहां डिस्क्रिप्शन और एज वेल एज कौन कौन से कॉन्सेप्ट वहां एप्लीकेबल है। क्वेश्चन पूछा गया स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन है। अब स्ट्रॉन्गेस्ट अगर ब्रोंस्टेन बेस पूछा हुआ है तो आप कहीं ना कहीं लोन पे डोनेशन की बात करेंगे। स्ट्रॉन्गेस्ट अगर आपसे ब्रोंस्टेन बेस पूछा हुआ है तो आप लोन पे डोनेशन की बात करेंगे। तो जब मैं इस एनिलीन को देख पा रहा हूं तो इसका नाइट्रोजन का लोन पे रेजोनेंस में चला गया तो हमारे लिए अवेलेबल नहीं हो पाया, कम अवेलेबल हो पाया। इसके साथ भी सेम चांस है। जब इस पायरोल के लोन पेयर की बात करूंगा तो ये पायरोल को एरोमेटिक बनाने में यूज हो गया। जब पायरोल को एरोमेटिक बनाने में यूज हो गया तो अब अगर मुझे बोलेगा इन सब में से तो मैं बोलूंगा जी फर्स्ट सबसे अच्छा बेस है, लेकिन एक ऑप्शन और भी पड़ा हुआ हमारे पास। कौन सा वाला? फोर्थ ऑप्शन हमें क्या कह रहा है कि यहां का नाइट्रोजन का लोन पेयर है, यहां CH2 जो इसके पड़ोसी हैं उनका पॉजिटिव इंडक्शन है, जो पॉजिटिव इंडक्शन हुआ बच्चे वो इलेक्ट्रॉन पुश करके नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो इसका जो बेसिक नेचर है वो क्या हुआ? बढ़ गया। तो सबसे बेस्ट बेस कौन हुआ? वो आपका आंसर है इस 64th क्वेश्चन का। लोकलाइज्ड लोन पेयर sp3। लो जी नेक्स्ट टास्क हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन वुड बी एसोसिएटेड विद हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। और अगर किसी बच्चे को हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में कंफर्म करना है, उसका फॉर्मूला आपको पता है, वो है म्यू इज इक्वल टू रूट एन एन प्लस टू। ठीक हुई बात, म्यू इज इक्वल टू रूट एन एन प्लस टू। अब हमें वो कह रहा है किस जगह पर मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगा, तो यहां एन क्या है? दीज आर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, अब मैं D7 की बात कर लूं, D7 को जब आप अरेंज करोगे 1 2 3 4 5 6 7 तीन यूपी इलेक्ट्रॉन है, तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, 8 में एक और भर दो। क्लियर ना? एक और भर दो यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 दो अनपेयर्ड निकल आएंगे, दो यूपी। मुझसे हाईएस्ट मैग्नेटिक पूछा हुआ है तो यहां तीन अनपेयर्ड, इसमें तो टेंशन लेनी नहीं आप लोगों ने। यहां 6 की बात कर रहा हूं, ओके। जब आप इसको फिल करोगे 1 2 3 4 5 6 चार यूपी निकल आएंगे। और जब आपके पास चार अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाए, इस ऑप्शन के अंदर आपके पास चार यूपी, यहां आपके पास कितने यूपी आ गए? यहां आपके पास ओनली 5 and 2 3 यूपी। इसकी बात करूं 5 3 के साथ 2 यूपी, यहां बात करूं तो 3 यूपी, यहां बात करूं तो अनपे इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना है? 4 है। जब अनपे इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 4 होगा तो पक्की बात है उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी में चला जाएगा, नंबर ऑफ अनपे इलेक्ट्रॉन। बाकी कैलकुलेट करने की नीड नहीं, जिसके पास अनपे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है दैट विल बी योर आंसर। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। अगर किसी भी हाइड्रोजन को एसिडिक ज्यादा बनाना हो, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ा दो। अब देखो जी, अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो है लेकिन इसको भी एक ही मिल रहा है, इसके पड़ोस वाले को भी एक ही मिल रहा है। क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर मैं इस सीओ के बीच में देखूंगा तो इसको भी एक सीओ का इफेक्ट मिल रहा है, इसको भी एक सीओ का इफेक्ट मिल रहा है। थोड़ा सा फोर्थ ऑप्शन की तरफ बढ़े, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन है? सीओ है। इस सीओ ने इस CH2 को, इस सीओ ने इस CH2 को हाईली अपने इन्फ्लुएंस में ले रखा है और सीओ एक अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ने जब
इस CH2 के इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ किया तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हुआ, बढ़ गया। उसके लिए फिर आपको कॉन्टिन्यूसली जो क्लासेस के वीडियोज हैं, अगर आपने पढ़ा पढ़ा है, आप नीट की तैयारी भी कर रहे हैं तब भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो नीट वालों 300 क्वेश्चन मिलेंगे इस वीडियो के अंदर आपको पूरे सिलेबस से और जो करंट सिलेबस है उससे, तो आपके लिए वीडियो बड़ा बेनिफिशियल हो सकता है। तो जो जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से जुड़ा हुआ है उतना अच्छा एसिडिक नेचर का हो गया है। चलिए अब हम सॉल्यूशन चैप्टर का एक क्वेश्चन देखते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ टू मिसिबल, मिसिबल जो एक दूसरे में घुल सकते हो। जब भी हम राउल्ट्स लॉ की बात कर रहे हैं तो हमारा जो सॉल्यूशन चैप्टर है वो बात कर रहा है ओनली एंड ओनली मिसिबल लिक्विड्स की। शोइंग नेगेटिव डिविएशन, नेगेटिव डिविएशन कि दोनों लिक्विड्स को जब मिक्स किया तो वेपर प्रेशर डाउन चला गया, रिजल्टेंट जो ऑब्जर्व हुआ। क्यों हुआ ऐसा? इंक्रीज्ड बिल्कुल नहीं, इंक्रीज्ड बिल्कुल नहीं, डिक्रीज डिक्रीज ऑप्शन। कितना स्टूडेंट फ्रेंडली क्वेश्चन पेपर बना हुआ है। डिक्रीज्ड वेपर प्रेशर, डिक्रीज्ड वेपर प्रेशर। अब देखो वीपी का बीपी के साथ इनवर्सली का रिलेशन है, बीपी का वीपी के साथ इनवर्सली का रिलेशन है, बॉइलिंग पॉइंट का वेपर प्रेशर के साथ इनवर्सली का रिलेशन होने की वजह से, जहां मुझे डिक्रीज्ड वेपर प्रेशर के साथ इंक्रीज्ड बॉइलिंग पॉइंट दे दे वो मेरा आंसर फिक्स होने वाला है। ठीक है जी, तो ये था हमारा 67 नंबर क्वेश्चन। नाउ केमिस्ट्री वाले सर आपसे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 68 की, क्वेश्चन नंबर 68 की। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को। क्वेश्चन आपसे कह रहा है वो कंसिडर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स मीन कोऑर्डिनेशन आयंस। कोऑर्डिनेशन आयंस आपने देखे बोर्ड पे जो छपे हुए, थोड़ा सा और इसको मिडल में ले लें हम। अब ठीक है बच्चे, लो जी क्वेश्चन क्या दे रहा आपको, कंसिडर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयंस। ठीक है, कंसिडर कर लिया। पी क्यू आर तीन ही है, आयरन 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 वेनेडियम एंड आयरन। यहां आयरन प्लस थ्री में, यहां जो वेनेडियम है प्लस टू में, यहां जो आयरन है प्लस टू में, जो फ्लोराइड है एक वीक फील्ड लीगेंड है, वाटर वीक फील्ड लीगेंड है, वाटर अगेन वीक फील्ड लीगेंड है। चलो जी, यहां कॉन्फिगरेशन 3d5 है, यहां स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम कॉन्फिगरेशन 3d3 है, यहां कॉन्फिगरेशन 3d6 है। आप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जी। करेक्ट ऑर्डर ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयंस अकॉर्डिंग टू द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। पीछे क्वेश्चन पूछा था कॉन्फिगरेशन देकर मैग्नेटिक मोमेंट, अब कह रहा है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, क्योंकि दो टाइप के मैग्नेटिक मोमेंट हमारे डी ब्लॉक में लिखे हुए ना, एक स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, एक ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। और ऑर्बिटल वो कह रहा है हमारे सिलेबस के बियॉन्ड, बाहर की थ्योरी है, तो कोई बात नहीं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयंस अकॉर्डिंग टू द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। तो अब जिसके पास सारे के सारे वीक लिगेंड थे, रिवर्स पेयरिंग के चांस है नहीं। अगर आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ी हो, स्प्लिटिंग के बाद कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जब वीक लिगेंड आएगा तो स्प्लिटिंग के बाद वीक फील्ड लिगेंड आने से पेयरिंग के चांस नहीं है। तो यहां सारे के सारे यूपी हैं, तो कुल मिलाकर यहां 5 अनपेड हुए, यहां 3 अनपेड हुए, और इस जगह पर अगर आप वीक फील्ड लिगेंड की बात कर रहे हैं और स्प्लिटिंग के बाद इलेक्ट्रॉन्स को जब सीएफपी से फिल करोगे तो यहां 4 यूपी आपको मिलने वाले हैं। तो जो पी है उसके पास यूपी का नंबर, पी के पास यूपी का नंबर ज्यादा है। अब उसके बाद जिसके पास 4 है, 4 कौन है, आर है, तो पी आर क्यू, यहां 5 यूपी, यहां 4 यूपी, यहां 3 यूपी, ऐसे करके आपका आंसर बन जाएगा। 2 क्वेश्चन हमने इस पेपर में देखे, ऑथेंटिक पेपर है जो एग्जैक्टली एनटीए ने रिलीज किया है, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। लो जी 69 नंबर क्वेश्चन टोटल हमारे हुए 14 मिनट में, ये 9वां क्वेश्चन चल रहा है, तो मुझे लगता है ये कोई महंगा डील नहीं है, आपको सीखने को भी मिल रहा है इसके अंदर। चूज द पोलर केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन आ गया बच्चे। चूज द पोलर मोलिक्यूल फ्रॉम द फॉलोइंग, चूज द पोलर। 300 क्वेश्चन इस पूरे वीडियो में मिलने वाले आपको, 300 क्वेश्चंस ऑफ द एनटीए रिलीज्ड पेपर जेई मेंस। ठीक हो गया, पोलर मॉलिक्यूल। तो पोलर होने के लिए डाइपोल मोमेंट होना चाहिए, डाइपोल मोमेंट जितना ज्यादा होगा
पोलैरिटी उतनी ज्यादा होगी। इसका एक वीडियो मैंने रिलीज किया हुआ अपने चैनल पर, उसमें CCl4 का डाइपोल मोमेंट जीरो है, CO2 का डाइपोल मोमेंट क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, ये टेट्राहेड्रल है जैसा इसको होना चाहिए अकॉर्डिंग टू हाइब्रिड स्टेट विद सिमिलर सराउंडेड एटम्स, तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा जीरो। इसको जैसा होना चाहिए ये वैसा ही है, लीनियर एसपी हाइब्रिड, लीनियर एसपी हाइब्रिड, यहां बात करूंगा एसपी टू हाइब्रिड, अगेन सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, तो इसके भी पोलर होने के चांस, इसके भी पोलर होने के चांस, इसके भी पोलर होने के चांस जीरो हो गए। और इस पर मैंने एक कोड बच्चों को बता रखा है, नंबर ऑफ क्लोरीन पर्टिकुलरली क्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ मीथेन, उसके लिए नंबर ऑफ क्लोरीन याद कर लेना बच्चे अगर आपके कॉन्सेप्ट में नहीं आ रखा, इनवर्सली टू म्यू किसके लिए बात कर रहे हो, क्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ मीथेन, क्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ द मीथेन, जैसे कि क्लोरोफॉर्म सबसे पहले CH3Cl ले लेते हैं, फिर CH2Cl2 ले लेते हैं, फिर CH क्लोरोफॉर्म CCl3 ले लेते हैं, फिर CCl4, तो नंबर ऑफ क्लोरीन सबसे कम यहां पर है। तो अगर मैं इसको एबीसी से मार्क कर रहा हूं, इससे आपका हेलो एल्केन का काम भी कंप्लीट हो सकता है, तो ए का डाइप्लोमेंट सबसे ज्यादा, फिर बी का, फिर सी का, फिर डी का आएगा, तो एबीसीडी का डिक्रीजिंग ऑर्डर आ जाएगा। और ये जो क्लोरोफॉर्म है ये हमारे पास तीसरे नंबर पे आ रखा है, और CCl4 इसी कैटेगरी में अगर कनेक्ट करोगे तो जीरो डाइपोल मोमेंट वाला होएगा। लो जी, अब हम 70 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारे इस वीडियो का 10th क्वेश्चन, हमारे इस वीडियो का 10th क्वेश्चन है। केमिस्ट्री वाले सर को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले भाई, फायदा ही मिलेगा आपको, इसलिए फायदा मिलेगा क्योंकि यहां सिर्फ पढ़ाई की बात होती है, इधर उधर की बात नहीं होती है, और अगर आप इस पढ़ाई को कर लेंगे तो आप विनर होने वाले हो, क्योंकि कल मेरे पास लिस्ट आई है परसेंटाइल की और मार्क्स की, परसेंटाइल की और मार्क्स की दिखाऊंगा इसी चैनल पर आपको, तो आप खुद सोचेंगे आप पढ़ सच में नहीं रहे, किताब जब तक नहीं उठाएंगे तब तक बात नहीं बनेगी। मेरा एक वीडियो भी है 5-7 मिनट का, उसको देखिएगा जरूर। स्टेटमेंट नंबर 1 है तो इसमें AR लॉजिकल नहीं होना है। अगर आपको इंफॉर्मेशन है द 4F and 5F सीरीज ऑफ द एलिमेंट्स, किसका क्वेश्चन है जी, डी ब्लॉक मान लो या पीरियोडिक टेबल मान लो, दोनों कनेक्ट कर जाएंगे। द 4F एंड 5F सीरीज ऑफ द एलिमेंट्स आर प्लेस्ड सेपरेटली इन द पीरियोडिक टेबल, बिल्कुल है। अगर आपने पीरियोडिक टेबल देखी हो तो पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक, अगर मेरे इस हैंड पे मैं एस ब्लॉक मान लूं, इधर मैं आपको पी ब्लॉक मान लूं, बीच में मैं डी ब्लॉक मान लूं, तो जैसे इंडिया के साथ श्रीलंका का मैप फ्री आता है, वैसे डी एंड एफ ब्लॉक श्रीलंका की तरह नीचे लटके हुए, ठीक होगी बात। तो उसने कहा जी सेपरेटली प्लेस हुए, बिल्कुल ठीक है जी, यस है, बिल्कुल यस है। प्रिजर्व द प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, जिससे हमें ये दिक्कत ना हो कि एस ब्लॉक के बीच में आकर डी और एस के बीच में एफ फंस गया, तो फिर ये काफी पीरियोडिक टेबल लंबी हो जाएगी और पढ़ने में इजी नहीं रहेगी। फिर एस ब्लॉक एलिमेंट्स कैन बी फाउंड इन प्योर फॉर्म, ये एनसीईआरटी में पीरियोडिक टेबल में लाइन लिखी हुई है कि एस ब्लॉक एलिमेंट कैन नॉट बी फाइंड, ये हमें फ्री फॉर्म में नहीं मिलते क्योंकि रिएक्टिव एलिमेंट्स और रिएक्टिव मेटल्स से हमेशा कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं, तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स कैन बी फाउंड इन प्योर फॉर्म इन द नेचर इन द लाइट ऑफ द अबो स्टेटमेंट, तो पहला वाला ठीक है और दूसरे वाला गलत हुआ, दूसरे वाला गलत हुआ। इसका आंसर तीसरा आएगा, ट्रू एंड फॉल्स, एनसीईआरटी के पीरियोडिक टेबल में ये लिखा हुआ है। मैं फिर आपसे कहूंगा अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हैं तो प्लीज 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 एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर लें। लो जी, अब हमारे 19वें मिनट में पहुंचते पहुंचते 71 क्वेश्चन आ गया है। दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 and 2 ये पैरानाइट्रोफिनोल, ये प्यूरिफिकेशन से आप कनेक्ट कर सकते हो, इसको प्यूरिफिकेशन से आप कनेक्ट कर सकते हो क्वेश्चन को। तो क्या लिखा है जी, पैरानाइट्रोफिनोल इज मोर एसिडिक देन मेटानाइट्रोफिनोल एंड ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। इसके लिए थोड़ा सा आपको मेरे साथ में काम करना पड़ेगा। यहां आपने लिखा, ये मैंने आपको सेपरेशन, नीचे सेपरेशन का शब्द नहीं अलग है, तो पैरानाइट्रोफिनोल मैं थोड़ा सा आपको बताना, ये गलत बोल गया, ये आपका या तो जीओसी से जोड़ लो या अल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर से जोड़ लो। यहां मैंने लिखा जी OH, अगर आप रेगुलर क्लास से मेरे रहे हो, ये मैंने लिखा जी पैरानाइट्रोफिनोल यहां लिख दिया। अब एक्चुअल में पता है क्या होता है, नाइट्रो पहले तो ना जो ग्रुप जुड़ा हुआ है उसका इंट्रो लिया करो, जैसे नाइट्रो है,
नाइट्रो का माइनस आई भी है, नाइट्रो का माइनस एम भी है, तो जितने भी माइनस आई माइनस एम वाले ग्रुप्स हैं वो सारे के सारे पावरफुल यहां इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होने से एसिडिक नेचर बढ़ाएंगे। तो नाइट्रो नाइट्रो ये माइनस आई भी दे रहा है माइनस एम भी दे रहा है, माइनस आई भी दे रहा है माइनस एम भी दे रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है, माइनस आई तो आप देख ही पा रहे यहां ज्यादा है, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई है क्या, ये जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, ये जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, वैसे तो बच्चों को बोलता हूं जब फिनोल्स पढ़ रहे हो तो लड़ाई ऑर्थोपैरा की है, जो फाइट है जो मुक्केबाजी हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्थोपैरा में हो रही है। तो ऑर्थो स्ट्रक्चर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर हो गया तो पैरा से पीछे चला जाएगा। उसने कहा पैरा नाइट्रो फिनोल इज मोर एसिडिक, बिल्कुल परफेक्ट लाइन लिखी जी आपने, देन मेटा नाइट्रो एंड ऑर्थो नाइट्रो फिनोल, मेटा नाइट्रो से तो उसने अच्छा होना ही था क्योंकि मेटा नाइट्रो में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज काम कर रही है, मेटा नाइट्रो में सिर्फ एक ही चीज काम कर रही है और वो है माइनस आई। ये आप नोट्स में देख सकते हैं अपने कि अगर मैं फिनोल के एसिडिक बिहेवियर की बात कर रहा हूं तो मेन फाइट ऑर्थो पैरा की है एंड देन जो मेटा है वो सिर्फ माइनस आई देगा। यहां माइनस आई की वजह से ये ऑर्थो से भी कमजोर है पैरा से भी कमजोर है, तो सबसे टॉप पे कौन हुआ, पैरा, फिर कौन हुआ, ऑर्थो, फिर कौन हुआ, मेटा, पोम पोम हो गया भाई। किसके केस में, जब पैरा नाइट्रो फिनोल ले रहे हो या नाइट्रो फिनोल ले रहे हो तो पोम पोम में आपके पास ये स्टेटमेंट तो क्या चला गया, सही चला गया, पैरा नाइट्रो फिनोल इज मोर एसिडिक देन मेटा नाइट्रो फिनोल एंड ऑर्थो नाइट्रो फिनोल, बिल्कुल ठीक है जी। इथेनॉल विल गिव द इमीडिएट टर्मिनिटी विद ल्यूकास, लो जी बकवास हो गई ये तो, क्योंकि ल्यूकास रीजन के बारे में आप जानते हैं ये है क्या, ZnCl2 एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl जिसको आप लोग ग्रोव्स रिएक्शन भी बोलते हो, ये टाइम टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। फिर आप नोट्स खंगाल लिए अपने, लिखवाया हुआ आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री व्हिच वन इज द मोस्ट रिएक्टिव अल्कोहल टर्शियरी विल गिव द टर्बिडिटी। एक बच्चा मेरे से पूछ रहा था कल परसों क्लास के अंदर, सर टर्बिडिटी क्या है, टर्बिडिटी का मतलब है क्लाउडीनेस। जैसे आप डिटोल को पानी में डालते हो तो डिटोल पानी में डलती क्या देता है, क्लाउडीनेस, वैसी क्लाउडीनेस अगर इमीडिएट अपीयर हो जाए तो आप समझ लीजिएगा टर्शियरी अल्कोहल है, अदरवाइज सेकेंडरी अदरवाइज प्राइमरी है, तो इमीडिएट तो नहीं आएगा। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, 1:2, 2 is false, ध्यान रखिएगा यहां ये बड़ा गड़बड़ कर रहे हैं। तो स्टेटमेंट पढ़िएगा सोच के में चलेगी, पहला ट्रू ट्रू है, फिर ट्रू फॉल्स है, फिर फॉल्स ट्रू है, फिर फॉल्स फॉल्स है, स्टेटमेंट आपने पढ़ने। उसके बाद हम चलते हैं जी अगले क्वेश्चन पे, वो हमारा क्वेश्चन है 72 नंबर, ठीक है जी। 72 क्या कह रहे हैं, 72 में असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ OH ग्रुप इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स, देखो फिर एसिडिक पे पूछ लिया और अल्कोहल फिनोल ईथर पे पूछ लिया, टिपिकल टाइप का ना ऑर्गेनिक का पेपर नहीं बना हुआ, टिपिकल टाइप का ऑर्गेनिक का पेपर कि आपको क्वेश्चन डाल दिए गए और आप हर एबीसी पे सोच रहे हो, वैसा टिपिकल टाइप का नहीं है। अभी तो हमारे जर्नी में 300 में से ये 12वां क्वेश्चन चल रहा है, तो चलते रहिएगा स्मूथली चलते रहिएगा। द असेंडिंग मतलब बढ़ता हुआ ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ OH ग्रुप इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ये ब्यूटेनॉल है, एल्कोहल्स की Ka की रेंज साथ साथ में लिखते रहिए, अगर आपके नोट्स में ये नहीं है तो 10^-16 से 10^-18 है। ये लो जी पैरा नाइट्रो, अभी इससे पहले 71 क्वेश्चन हमने किया था, तो ये अच्छा एसिड है। Ka की रेंज वैसे तो फिनोल्स की -10 है, ये पक्का इससे भी हाई होगा क्योंकि नाइट्रो जोड़ दिया आपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, या मिथोक्सी ये सबसे बड़ा पंगा हो गया, ये क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन को इस बेंजीन रिंग के अंदर पुश कर रहा है, इसको पॉजिटिव मेसोमेरिक और ये एसिडिक नेचर के इनवर्स जाएगा। तो इतना तो कंफर्म हो गया, क्या सबसे अच्छा एसिड यहां बी है, उससे कमजोर डी है, फिनोल 10^-10 की रेंज में तो मिथोक्सी वाला नेक्स्ट है और एल्कोहल उससे भी घटिया है, कुल मिलाकर बीडीसी एक और है, बिल्कुल ठीक है जी। ये आपके पास दो नाइट्रो तो ई सबसे टॉप पे लग जाना है, ईबी डीसी EBDCA, तो EBDCA में EBDCA, लो जी लास्ट आंसर हमारा टिक हो गया है। सर E सबसे अच्छा क्यों हुआ, भाई साहब दो नाइट्रो ग्रुप जुड़े हुए, दो नाइट्रो का मतलब हुआ हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एसिडिक नेचर को खतरनाक इंप्रूव करेगा ही करेगा, तो DBCA हमारा आंसर बन गया है, DBCA हमारा आंसर बन गया है, DBCA हमारा आंसर
बन गया, ठीक होगी बात, सारी बात आप समझ गए होंगे। एल्कोहल जो है, अगला असर्शन रीजन आ गया, दो तो आपने देख ली स्टेटमेंट टाइप, तो नीट वालों थोड़ा सा सावधान हो जाना, अवेयर हो जाना, अवेयर हो जाना। दो एआरआर, दो स्टेटमेंट हमने पढ़े अभी तक, और अब ये एआर आ गया, हो सकता है मैचिंग टाइप के क्वेश्चन को भी यहां टारगेट करे। लो जी, क्वेश्चन आपको पढ़ पा रहे होंगे आप लोग, ये पी ब्लॉक एलिमेंट के ग्रुप नंबर 13 का क्वेश्चन है, पी ब्लॉक एलिमेंट के ग्रुप नंबर 13 का क्वेश्चन है ये। सब जाओ भाई साहब, ये थोड़ी ठंड में ठंड लग गई इसको। ये लो जी, अब खिसक गए, हल्का सा छोटे हो जाओ, हो गए। गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज ए असर्शन एंड अदर इज, देखो पता क्या है, असर्शन का असर्शन पढ़ लिया करो पहले नंबर पे, जो असर्शन हमने पढ़ा वो कह रहा है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बोरोन 2453 केल्विन इज अनयूजुअली हाई इन द ग्रुप 13। वैसे पता है आपको पहला मेंबर हमेशा गड़बड़ करता ही करता है क्योंकि उसका एक तो साइज छोटा है, पहला मेंबर हमेशा गड़बड़ करता ही करता है क्योंकि उसका एक तो साइज छोटा है, और साइज छोटा होने से उसकी पैकिंग अच्छी है, और पैकिंग अच्छी है तो एमपी उसका बढ़ना ही बढ़ना था, पैकिंग अच्छी है एमपी उसका बढ़ना ही बढ़ना था। तो यहां आपके पास मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बोरोन अच्छा है, हाई है, अब उसकी वजह सोचो, वजह 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 स्मॉल साइज है, पैकिंग अच्छी है, क्या वो रीजन में लिखा हुआ है? सोलिड बोरोन हैज वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लैटिस लिखा हुआ है, तो स्टेटमेंट तो ठीक था ही, असर्शन तो ठीक था ही, रीजन भी ठीक है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसका जो आंसर है वो आएगा आपके पास बोथ एयर आर करेक्ट एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आप कहेंगे सर वो तो पहला ऑप्शन होता है, भाई साहब ये गड़बड़ कर रहे हैं, दोनों सही करेक्ट एक्सप्लेनेशन को जरूरी नहीं कि वन ही हो, दोनों सही करेक्ट एक्सप्लेनेशन उसने सेकंड में डाल दिया है तो वो सेकंड आंसर आपके पास आएगा, सोलिड बोरोन हैज वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लैटिस सो इट्स मेल्टिंग पॉइंट अनयूजुअली हाई इन द ग्रुप नंबर। और मैं आपसे कह रहा था हमारे सिलेबस में क्या जुड़ा हुआ है, हमारे सिलेबस में जुड़ा हुआ है ग्रुप नंबर 13 का, 13 से 18 तक के पहले मेंबर का एनोमलस अलग बिहेवियर, ठीक है जी। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो साइक्लोहेक्सीन है जो आपके सामने बनी हुई है साइक्लोहेक्सीन, ये किस टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड है? फिर मैं कह रहा हूं टिपिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पूछी हुई है, जनरल टाइप की है। तो भाई साहब बेंजीनोइड अगर आपने बनना है तो शुड बी बेंजीन रिंग है, नहीं बेंजीनोइड नॉन एरोमेटिक, ये नॉन एरोमेटिक तो है लेकिन अब बेंजीनोइड नॉन एरोमेटिक क्या हुएंगे ध्यान से सुनिएगा। उससे पहले एक बात बता दूं मैं आपको, तो कहते हैं असाइक्लिक मतलब ओपन चेन, ओपन चेन ये है नहीं, तो अब स्टूडेंट फ्रेंडली क्वेश्चन में 1 और 4 में से आंसर हमें देना है। तो सिंपल अगर रिंग बन रही हो उसमें एरोमेटिसिटी नहीं आ रही हो तो अब उसको बोलते हो प्रॉपर्टीज तो एलिफेटिक वाली है, रिंग स्ट्रक्चर है एलिसाइक्लिक। तो क्या मैं सेकंड को देखूं, बेंजीनोइड लेकिन नॉन एरोमेटिक, बेंजीनोइड नॉन एरोमेटिक में स्ट्रक्चर तो बेंजीन जैसा होना चाहिए लेकिन उसमें प्रॉपर्टीज नॉन एरोमेटिक हो, जो कि मुझे एक अजीब सी बात लग रही है, इंपॉसिबल सी कैटेगरी लग रही है, तो आप किसकी तरफ जाएंगे, स्ट्रक्चर इज रिंग, अब डबल बॉन्ड आ जाए तब भी एलिसाइक्लिक है, दो डबल बॉन्ड आ जाए तब भी एलिसाइक्लिक है, लेकिन अगर इसी को मैं बेंजीन स्ट्रक्चर में डाल दूं तो ये बेंजीनोइड एरोमेटिक हो जाता, क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन, येलो कंपाउंड ऑफ द लेड क्रोमेट, लेड क्रोमेट एक पीपीटी बनाता है, लेड क्रोमेट एक प्रेसिपिटेट बनाता है PbCrO4। अगर आपने डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़े हो तो आप इस क्वेश्चन को इजीली समझ सकते हो, येलो कलर ऑफ लेड क्रोमेट गेट्स डिसोल्व ऑन ट्रीटमेंट विद हॉट NaOH सॉल्यूशन, आप इसमें NaOH डालो तो कहीं ना कहीं इसको क्वालिटेटिव से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, क्वालिटेटिव से प्लस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी है। द प्रोडक्ट ऑफ लेड फॉर्म्ड इज, क्या वो टेट्रा एनायनिक, क्या वो न्यूट्रल, क्या वो डाई एनायनिक, क्या वो डायनायनिक कॉम्प्लेक्स विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होएगा, तो पीबी यहां प्लस 2 में है। एक जनरल ट्रेंड ये है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 अवॉइड होने वाला है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में भी चांस है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 अवॉइड होने वाला है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में भी द चांस है। अब हुआ क्या जी, इस PbCrO4 का NaOH के साथ तो कॉम्प्लेक्स तो बनना फिक्स है,
तो क्या वो न्यूट्रल की तरफ जाएगा या डायनामिक? देखो ऐसा है ना, जब आप पीबी के साथ कम से कम चार ओएचबी कोऑर्डिनेशन नंबर फोर पे लगाओगे तो न्यूट्रल बनने का तो सवाल ही नहीं है। तो है तो ये थोड़ा सा लिटिल बिट सोचने वाला क्वेश्चन, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल मैं इसको डिफिकल्ट की कैटेगरी पे डाल दूं। तो अब देखिए पीबी ओ एच होल फोर माइनस टू बन चुका है। वो जो पीबी ओ एच होल फोर में हाइड्रोक्साइड था वो एक लीगेंड का काम कर रहा है, और पीबी प्लस टू किसका काम कर रहा है जी, एक सी एम आई सेंट्रल मेटल एटम और आयन का काम कर रहा है। तो इस सीरीज का 300 क्वेश्चन की सीरीज का हमारा 16वां क्वेश्चन 76 नंबर इस टेस्ट का क्वेश्चन है। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन आ चुका है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम कार्बोनेट, तो इसको हम आयोनिक इक्विलिब्रियम से कनेक्ट कर दे। ये आपके पास अमोनियम कार्बोनेट है जी, क्या कर रहे हैं हमारे अमोनियम कार्बोनेट सर? ये अमोनियम कार्बोनेट हुआ जी, उसने कहा ये बेसिक है तो चेक कर लेते हैं। जैसे इसमें पानी डालोगे तो यहां आपके पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल बनेंगे, कार्बोनिक एसिड बनेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको इस बात की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। किस बात की इंफॉर्मेशन? कि इन दोनों में से किसका केबी, क्योंकि ये जो सोल्ट है ये वीक एसिड वीक बेस का बना हुआ सोल्ट है, ये जो सोल्ट है ये वीक एसिड वीक बेस का बना हुआ सोल्ट है। तो यहां जो अमोनियम कार्बोनेट है और पानी से मिलकर अमोनियम हाइड्रोक्साइड और H2CO3 बना, तो क्या ये बेसिक है? वैसे इसका जो केबी है वो इसके के से ज्यादा है। एसिडिक बेसिक नेचर ऑफ सोल्ट सॉल्यूशन ऑफ सोल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस डिपेंड्स ऑन के बी, जैसा कि मैं ऊपर बोल ही रहा था आपसे, एसिड और बेस के बी पे डिपेंड कर रहा है। तो ऊपर वाले को मैं बेसिक 100% बोल लूंगा। क्यों? क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जो केबी है, फिर बच्चे कहेंगे सर हमें कैसे भाई इस लेवल तक, तो अगर आप जेई और नीट में बैठने जा रहे हैं तो इन्फॉर्मेशन आप तक होनी चाहिए। चैप्टर में एनसीईआरटी को पढ़ना मस्ट है। तो केमिस्ट्री वाले सर आपको बता रहे, यहां जो आपके पास एसिडिक बेसिक नेचर ऑफ सोल्ट सॉल्यूशन ऑफ अ सोल्ट, ये के बी पे डिपेंड करेगा। नोट्स में झांक कर देखिए, आपको मैंने वीक एसिड वीक बेस के सोल्ट का नेचर बताया हुआ है, दैट डिपेंड्स ऑन द के बी, क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है। तो अब मैं क्या करूं भाई, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, बस बात खत्म हो गई है। क्योंकि वो बेसिक नेचर का है, क्योंकि उसका केबी ज्यादा है। आप नीट देने जा रहे हैं तो याद कर लीजिए, अगर आप अप्रैल सीरीज में बैठने जा रहे हैं तो भी याद कर लीजिए कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड का और एसिडिक एसिड का केबी के बराबर है 1.8 × 10^-5। लेकिन अमोनियम हाइड्रोक्साइड का केबी कार्बोनिक एसिड से ज्यादा है, दैट्स व्हाई वो गुड बेस हुआ। लो जी, कहीं इसके सॉल्यूशन में हमने वैल्यू मेंशन नहीं की है। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 से अब हम मूव कर रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, यानी 77 नंबर क्वेश्चन। लो जी, नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन है, तो मुझे लगता है आप इसमें कंफर्टेबल होंगे ही होंगे। लोएस्ट लॉक एंड रूल लगेगा बच्चे, लोएस्ट लॉक एंड रूल, आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड पी। हाँ, तो जब आप यहां मिथाइल मिथाइल ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहां आप इथाइल ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो लोएस्ट लोकेंड रूल के अकॉर्डिंगली हमें अल्फाबेटिकली नहीं लोएस्ट लोकेंड देखना है। तो बोलना इसको पहले ही पड़ेगा वन इथाइल, इसको आप भूल जाएं, इसको आप भूल जाएं। उसने कहा जी वन इथाइल, थोड़ी सी गलती की मैंने, हमें देखना है, बोलना इसको हमें पहले ही पड़ेगा इसको। तो ये थ्री इथाइल, उसके बाद लो जी, सीधे सीधे आंसर स्टूडेंट फ्रेंडली होकर आएगा। वन इथाइल तो भूल ही जाए आप, क्यों? लोएस्ट लोकेंट रूल इसमें एप्लीकेबल होएगा, लोएस्ट लोकेंट रूल इसमें एप्लीकेबल। हाँ, अगर ये यहां नहीं होता तो मैं वन इथाइल थ्री मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बोलता, लेकिन यहां मुझे उसने क्या दे दिया, इस जगह पे 2 मिथाइल दे दिए, एक यहां इथाइल दे दिया, तो लोएस्ट लोकेंट रूल यहां एप्लीकेबल होएगा। लो जी, अब हम 78 क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। NaCl रिएक्ट कर रही है, क्वालिटेटिव का क्वेश्चन बनकर आ गया है, क्वालिटेटिव का क्वेश्चन यहां बना हुआ है। क्वालिटेटिव किताबें उठा लो बच्चे, नीट के फॉर्म भी रिलीज हो चुके हैं, 9th ऑफ मार्च लास्ट डेट है, क्लियर ना? और अगर आप इन बुक्स को उठा लोगे, एनसीईआरटी को 5-5, 6-6 बार अगर पढ़ लोगे, तो मुझे लगता है आपके लिए काम इजी होने वाला है। NaCl रिएक्ट्स विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड
K2Cr2O7 to give the reddish fumes. और जो reddish fume है, अगर आपने थोड़ा सा भी test पढ़ा हुआ है chloride का, CrO2Cl2, क्रोमाइल क्लोराइड की वजह से आती हैं, which reacts with NaS to give the yellow solution, BnC respectively R. तो गलत गलत, ठीक है, ये हो सकता है, ये गलत, CrO2Cl2. अब वो कह रहा है कि NaCl, जब ये क्लोराइड का टेस्ट है, NaCl react with concentrated H2SO4 and K2Cr2O7 the give reddish fumes. यहाँ reddish fumes किसकी आ रही है? वो आ रही है CrO2Cl2 की, which reacts, जो CrO2Cl2 बना वो react कर रहा है NaOH से to give yellow solution. और बच्चे बार बार मैंने क्लास में बोला हुआ है, Na2CrO4 येलो कलर का सॉल्यूशन है, और पीछे क्वेश्चन पढ़ रहे थे जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुई थी लेड की, वो पीबी CrO4 का येलो कलर का प्रेसिपिटेट है. तो सीधे सीधे क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया है, जिसमें इसकी पॉसिबिलिटी और इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ऑरेंज कलर है. देखो एक बात और बताऊ मैं आपको, अगर आप बाद में बोल रहे हो ना कि विच रिएक्ट विद NaOH टू गिव द येलो सॉल्यूशन, तो अगर आप सेकंड पे फोकस करो तो ये आपके पास रेडिश फ्यूम है, ये ऑरेंज कलर है, ये कलरलेस है. तो अगर आप यहां हिट एंड ट्रायल भी करेंगे तो भी इस क्वेश्चन को आप पकड़ सकते हैं. करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एन काइरल एल्काइल हैलाइड, ये SN रिएक्शन की बात कर रहा है आपसे. तो क्या कहा जी उसने SN रिएक्शन के अंदर, केमिस्ट्री वाले सर आपके साथ 29 तारीख से लेकर 27 तारीख से लेकर 1 फरवरी तक के 10 पेपर का डिस्कशन करने आए हैं. ये SN रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड है, इसके लिए अगर आप NCERT खोलते हैं तो भी आप एक अच्छे विनर कैटेगरी में जा सकते हैं. अगर आप कहेंगे कि मुझे करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कारेल एल्काइल हैलाइड की बात करनी है, रिटेंशन मतलब R का R, S का S, SN1 का कैरेक्टरिस्टिक है. मैंने कहा जी नहीं, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, रेसिमिजेशन होता है. उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, रेसिमिजेशन होता है. एंड इन्वर्जन टेक्स प्लेस, भूल जाओ भाई साहब, और इन्वर्जन टेक्स प्लेस इन द SN2, ठीक बात है, रिटेंशन SN1 में नहीं होता ना, रेसिमिजेशन अकर्स इन SN1, ये ठीक लग रही है बात. एंड रिटेंशन अकर्स इन, लो जी ये गड़बड़ कर गया, इसलिए गलत हो गया. सर मुझे SN2 में क्या लिखना है, इन्वर्जन. रेसिमिजेशन अकर्स इन द बोथ, ये फिर गलती हो गई है. तो रेसिमिजेशन अकर्स इन SN1 रिएक्शन एंड इन्वर्जन टेक्स प्लेस इन द SN2 काइनेटिक्स. अगर आप नोट्स चेक करेंगे तो इस लेवल की बातें आपके नोट्स में सिलेबस में बनी हुई है कि जब भी कभी SN1 हो तो रेसिमिजेशन होएगा, SN2 हो तो वहां इन्वर्जन होने वाला है. चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की. इस वीडियो का 20वां क्वेश्चन हुआ इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन ऑफ नियो डायमियम, डी ब्लॉक का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है जो आजकल चल रहे हैं कि किसी का नंबर देकर उसका नेम पूछ लो, किसी का नंबर देकर उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन पूछ लो. ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा चल रहा है. तो 80 नंबर क्वेश्चन, 80 नंबर क्वेश्चन की बात करें, नियो डायमियम उसने खुद बताया कि 60 नंबर पे आ रहा है. तो अगर आपने मेरे को सुना हुआ है तो देखो मैं आपको एक कोड सिखा कर आया था, सीट पर NDPM, सीट पर NDPM. यहां कौन है जी 58, यहां कौन है जी 59, यहां कौन आएगा 60, यहां कौन है 61. और इससे पहले मैंने लेंथेनम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन बच्चों को सिखा रखा होता है कि सबसे पहले आप जीनोन लिखो 54 नंबर पे, 6s2 लिखकर बेरियम कर दो, फिर दो में लड़ाई हो गई 4f में 5d में, इन दोनों के लड़ाई में एक्सेप्शनल बना लेंथेनम. तो अगर मैं 58th इलेक्ट्रॉन सेट करूंगा, 58th इलेक्ट्रॉन सेट करूंगा, तो यहां देखो ये 54, 56 और ये 60 हो गया, 56 यहां तक सम हुआ, ये भी 60, लेकिन 4d की कमी और 4 यहां 5f लिखा है, तो बिल्कुल गलती हो गई है. अब ये हमारा 54, ये हो गया 56, 56 में 6 जोड़ोगे 62, ये गलत हो गया. तो या तो पहला आंसर है या चौथा आंसर है. अब इसमें देखो ये 54 है, ये 56 है, 57 है, 58 है, फिर ये ब्लंडर कर दिया उसने, आंसर क्या आ गया बस. तो थोड़ा सा अगर आप भिड़ जाओगे ना क्वेश्चन से, तसल्ली से मुक्केबाजी कर लोगे, तो मुझे लगता है आप एग्जैक्ट आंसर तक पहुंच जाओगे. थोड़ा भिड़ना तो पड़ेगा ना क्वेश्चन से, लड़ाई तो करनी पड़ेगी ना बच्चे.
मास ऑफ, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया बच्चे, द मास ऑफ सिल्वर, मोलर मास ऑफ सिल्वर का दे रखा है 108 है। इसके लिए मैंने आपको एक कहानी भी बता रखी है, क्या कि हम अपने घरों में 108 मोतियों की एक माला लेके बैठते हैं, तो घर वाले क्या कर रहे हैं, 108 108 चांदी 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 चांदी, तो चांदी चांदी कर रहे हैं वो लोग ना। तो मास ऑफ सिल्वर, मोलर मास ऑफ सिल्वर इज 108 ग्राम पर मोल displaced by a quantity of electricity which displaces 5600 milliliter of oxygen at STP। तो मैंने आपको बताया था, आपको ये एक फॉर्मूला खेल लेना है, W1 by W2 E1 by E2 equivalent weight निकालने का, मोल कॉन्सेप्ट का एक वन शॉट पड़ा हुआ है आपके पास, उसको भी आप देख सकते हैं वन शॉट को। अब एक जगह पे मैंने क्या लिखना है, सिल्वर, दूसरी जगह मैंने क्या लिखना है, ऑक्सीजन। तो मैंने एक छोटा सा गेम खेला, ज्यादा टेंशन नहीं ली, मैंने मास ऑफ ऑक्सीजन निकाल लिया, ठीक, 5600 वॉल्यूम है एसटीपी वाला, 22400 का डिवाइड मार दिया, ये 1/4 हो गया, ठीक हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, विद मोलिकुलर वेट, तो 8 ग्राम। तो अगर मेरे पास ऑक्सीजन 8 ग्राम है, उसका इक्विवेलेंट वेट 8 होता ही है, ये आपको याद ही होगा, सिल्वर का जो इक्विवेलेंट वेट है 108 है, तो कितना मास डिपॉजिट हुआ, कितना मास डिपॉजिट हुआ, तो कुल मिलाकर मेरे पास अगर मुझे सिल्वर का मोलर मास तो डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि सिल्वर का एन फैक्टर 1 होता है, तो यही इसका सीधा सीधा आंसर निकलकर मेरे सामने आ गया। एज पर एसटीपी डेटा मोलर 22.4 वो 108 ही आना था, इससे कोई इसको रोक नहीं पाएगा। लो जी, मैं इस सीरीज के 22 क्वेश्चन और 82 इस पूरे पेपर के क्वेश्चन पे चल रहा हूं। कंसीडर द फॉलोइंग डेटा फॉर द गिवन रिएक्शन, टू एच आई एच टू आई टू क्लियर, एंड 1, 2, 3 ये इसके मोल्स है, आई थिंक मोल्स ही होंगे क्योंकि थोड़ा सा ये डिस्टर्ब लग रहा है मुझे। अच्छा डेटा दिया हुआ है, ठीक है कोई बात नहीं, अभी मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूं, एक सेकंड रुके। देखो इसमें है क्या, ये रिएक्शन लिखी है उसने, जैसे हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के अंदर, अच्छा चैप्टर है वो, एक डेटा प्रोवाइड करवाते हैं ना, ठीक है, फर्स्ट डेटा में उसने हमें एच आई के मोल पर लीटर दिए, उसके बाद सेकंड में उसको जस्ट डबल किया, थर्ड में फिर डबल किया, रेट पर क्या इफेक्ट हुआ, तो पहली बार रेट 7.5 × 10⁻¹⁰ था इनिशियल, रेत मेथड से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, तो 7.5 × 10⁻⁴ हुआ, थोड़ा सा आप ध्यान से देखें तो यहां वैल्यू 4 गुनी हो गई है, कैसे, 7.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 30, तो 30 × 10⁻⁴ 3 × 10⁻³ तो ये 4 गुना हो गया। अगर मैंने कॉन्सेंट्रेशन डबल की तो रेट मेरे पास 4 गुना हो गया, क्या अगले ऐसे भी हुआ, सुनो, या फिर मैंने डबल किया तो ये मेरे पास 4 गुना 12 × 10⁻³ हुआ, 1.2 × 10⁻²⁺ हुआ। तो अगर कहीं कॉन्सेंट्रेशन डबल करने से रेट 4 गुना हो रहा हो तो पक्का हमारे पास जो उसका एक्सप्रेशन मेथड होगा, रेट उसका जो एक्सप्रेशन मेथड होगा, रेट इज इक्वल टू के, यहां लिखेंगे रिएक्टेंट पावर 2, ये डबल तो ये 4 गुना, ये ट्रिपल तो ये पावर 3, 3 की पावर 2 तो ये 9 गुना, तो वैसे वैसे स्टेप हमारे चलते रहेंगे। तो डेटा हमें सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के फेवर में कह रहा है, और अगर आप फॉर्मूला यूज करने चाहते हैं तो इनिशियल रेट मेथड में ऊपर लिखा जाती है हमारे पास, यहां कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन और यहां रेट बाई रेट, जिससे एन की वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है, एन की वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। चलो जी चलते हैं, अब हम एक सिंपल क्वेश्चन पे जो लिटिल बिट मोल कॉन्सेप्ट से एसोसिएट हो रहा है। मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, मास ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड, मास ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड हुआ क्या इसमें, देखो जो आपने मीथेन है उसका कंबशन कराया तो जितने कार्बन उतने तो बनते हैं जी CO2, जितने हाइड्रोजन उसके हाफ बनते हैं वोटर, ठीक है। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करा तो यहां से 2 ऑक्सीजन है, यहां से 2 ऑक्सीजन है, तो यहां टोटल आपको 4,
ऑक्सीजन लिखने पड़ेंगे। ठीक है सर, चार कैसे हुए, दो मोल तो चार एटम हुए ना। अब ये 16 ग्राम 32 ग्राम से रिएक्ट कर रहा है ओरिजिनली, ठीक है। तो मास ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड हमें 22 ग्राम ऑफ CO2 प्रोड्यूस करना है, अभी कितना हो रहा है 44। आपको प्रोड्यूस कितना करना है यूनिटरी मेथड से, अगर 44 16 ग्राम से आ रहा है तो 22 ग्राम विल कम्स फ्रॉम 8 ग्राम। स्टूडेंट फ्रेंडली क्वेश्चन है, ऐसा भी नहीं कोई जेई मेंस लायक इसकी क्वेश्चन की औकात हो, ठीक है। तो 8 इसका आंसर सीधे सीधे आ जाएगा ऑन द बिहाफ ऑफ यूनिटरी मेथड। चलिए अब हम बात करते हैं जी, एक थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन हुआ। इफ 3 मोल्स, एन की वैल्यू क्या कर दी हमने 3 कर दी है, 3 मोल यहां एन आपके पास 3 है, एन इज इक्वल टू 3 लिख दिया गया, ऑफ एन आइडियल गैस टेम्परेचर 300 केल्विन लिख दिया गया, ठीक होगी बात। फ्रॉम 30 लीटर 30 लीटर से आप 45 लीटर तक जा रहे हैं, 30 लीटर से 45 लीटर तक जा रहे अगेंस्ट कांस्टेंट ओपोजिंग प्रेशर ऑफ 80 किलो पास्कल, देन अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड आपसे क्यू पूछा हुआ है। तो आपको पता है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू का एक फॉर्मूला है हमारे पास। तो उसमें सबसे पहले हम एक बात देख लें, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखा और बार बार आपको बताया इन द थर्मोडायनेमिक्स जो इंटरनल एनर्जी है इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर आपने कॉन्स्टेंट रखा हुआ है, अगर आपने टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखा हुआ है तो वहां जो डेल्टा ई की वैल्यू है वो हो जाएगी 0। तो यहां जो डेल्टा ई है वो तो हो गया 0, क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। अब मुझे माइनस डब्ल्यू यानी डब्ल्यू कैलकुलेट करना, एक्सपेंशन तो हुआ ही है। तो जब मैं यहां पी डेल्टा वी, पी एक्सटर्नल कितना था जैसा कि हमें ऊपर बताया गया था 80 × 10⁻³, और ये हुआ जी एक्सपेंशन 45 30, सबकी यूनिट्स मैच करवा दी गई। तो ये हमारे पास लीटर एटीएम को हमने जूल में बदल लिया, 1200 जूल मेरे पास W हुआ, क्लियर। तो जैसे उसको हम पुट करेंगे तो कटाक से हमारे पास आंसर मिल जाएगा -1200। तो एक बार वापस चेक कर लें, उसने कहा जी 30 से 45 जा रहा तो 15 लीटर का फर्क आ रहा है, और 80 किलो पास्कल 80 × 10⁻³ पास्कल हो गया, ये बाय डिफॉल्ट ही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो ये लीटर में हुआ तो इसको मुझे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए हमने ये हरकत कर रखी है, क्योंकि एक लीटर को अगर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हो, क्योंकि आपको पता होगा, नहीं पता तो आज देख लो, 1 लीटर में 10⁻³ क्या हुएंगे मीटर क्यूब। अगर कोई बोलेगा मेरे घर में 1 मीटर क्यूब का टैंक है तो वो 1000 लीटर का टैंक है, कोई बोलेगा 1 लीटर का टैंक है तो वो 10⁻³ मीटर क्यूब का टैंक हुआ। तो -1200 हमारे पास आंसर आ गया है। चलिए एक क्वेश्चन हम अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एल्कीन चैप्टर से उठा रहे हैं, 3-methyl hex 2-ene। तो 3-methyl hex 2-ene के लिए हम पहले तो हेग्स 2-ene बनाएंगे, 3 पर मिथाइल लगाएंगे, ये CH3 CH2 CH3। अब इसकी नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 हुआ, 3-methyl hex 2-ene हुआ। इसको HBr से हमने रिएक्शन करवाना है और परोक्साइड और दे रखा है, लो जी परोक्साइड दे दिया, परोक्साइड फॉर्म्स एन एडिशन प्रोडक्ट, तो सीधा एंटी मार्कोव निकोब आंसर आएगा। द नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स, तो सबसे पहले एंटी मार्कोव निकोब अटैक करवा दे, जब हम द नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ द ए, तो आपसे कहा गया कि HBr का एंटी मार्कोव निकोब अटैक करवाओ, एंटी मार्कोव निकोब अटैक ऑफ HBr, यहां CH3 अपनी जगह पर ओरिजिनली है, जहां जाना चाहिए H वहां Br, जहां जाना चाहिए Br वहां क्या लगा दोगे H, ठीक होगी बात। यहां H जाना चाहिए बिकॉज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन अकॉर्डिंग टू सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द मार्कोवनिकोव रूल, तो उसका उल्टा चाहिए हमें, है ना। तो ये CH2 लिखा, ये CH2 लिखा, ये CH3 लिखा, ये भी कार्यल हुआ, ये भी कार्यल हुआ। इस कायरल के दो इक्वल पार्ट नहीं हुए, जब किसी कायरल स्ट्रक्चर के दो इक्वल पार्ट नहीं हो पाए, जब किसी कायरल स्ट्रक्चर के दो इक्वल पार्ट नहीं हो पाए तो वहां फिर हमारे पास क्या होएगा, 2⁻², 2
टू रेस टू पावर जितने कार्बन कार्बन है 4 टोटल आइसोमर। तो दो कॉन्सेप्ट को मर्ज करके इस क्वेश्चन को बनाया गया है, दो कॉन्सेप्ट को मर्ज करके इस क्वेश्चन को बनाया गया है, जिसमें कि पहले तो एंटी मार्कोव निकोब एडिशन पूछ लिया गया, और एंटी मार्कोव निकोब एडिशन पूछने के बाद हमें बताया गया कि एंटी मार्कोव निकोब एडिशन अब हो चुका है, जो प्रोडक्ट बना उसके कितने स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे। अमंग द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड द टोटल नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें कि आप 0 से 9 तक के आंसर अपने दे पा रहे हो, और इसके अलावा जो भी डिजिट्स बनेंगे वो देना पड़ेगा। तो एक बड़ी सिंपल सी बात है, जो हकल्स रूल 2023 के नीट के पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन देख सकते हैं, जो हकल्स रूल को ओबे करे है, जो हकल्स रूल को ओबे करे है, ठीक है जी। तो यहां थोड़ा पंगा हो गया, ये sp3 कार्बन हो गए, और जब sp3 कार्बन हो जाए तो पक्का वो नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर हो चुका है, तो ये स्ट्रक्चर एरोमेटिक नहीं हो पाएगा। लो जी, ये स्ट्रक्चर एरोमेटिक है, बच्चे की सर कोई टेंशन नहीं है। अगर मैं आपको बेंजीन पर प्रोपाइल लगा दूं तो क्या एरोमेटिक नहीं होगा? हम तो इसको देखें ना, तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास क्या हो गया? एरोमेटिक हो गया, कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। यहां चेक करोगे तो लोन पेयर भी पड़ा हुआ है, और अगर मैं यहां इस लोन पेयर का रेजोनेंस में पार्टिसिपेशन करवा दूं तो 5 यहां पाई बॉन्ड बनकर 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, हकल्स रूल को ओबे भी कर लेगा, तो ये भी मेरे पास एरोमेटिक हो गया। इधर इधर से तो था ही, ये नेगेटिव इधर और दोनों में इधर हो रहा है, तो लोन पेयर कॉन्जुगेशन में चला गया। टोटल मिलाकर जो मुझे यहां 12 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 3 3, उसमें इसका तड़का और लग जाएगा लोन पेयर का, तो 7 कुल मिलाकर। अगर आपके पास शुरुआत से हम देखें 4n+2 पाई हकल्स रूल को, तो इस n की वैल्यू 0 लिखो तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, देन 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, देन 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, देन 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, जहां भी मिलेंगे वो स्ट्रक्चर प्लेनर प्लस एरोमेटिक हो ही जाएगा। तो आउट ऑफ द बीसीडी आर द एरोमेटिक कंपाउंड्स। लो जी, अमंग द फॉलोइंग टोटल नंबर ऑफ मेटा डायरेक्टिंग फंक्शन ग्रुप इन इज द मेटा डायरेक्टिंग, आपको पता है एटलीस्ट वहां एक लोन पेयर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो ये मेटा डायरेक्टिंग नहीं है, क्योंकि इस पर लोन पेयर पड़ा हुआ है। ये कैसा हो जाएगा? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ये फेवरेट है, ये फेवरेट है, ये प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर रहा है, ये लोन पेयर की वजह से प्लस एम शो कर रहा है। ये कार्बन जैसा कि इस डिस्कशन में स्टार्ट के क्वेश्चन में आया था, सबसे अच्छा एसिड कौन है, तो मैंने बताया था जहां इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा जुड़े हुए, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हुआ, इस वजह से ये भी एक मेटा डायरेक्टिंग हो गया। ये ऑर्थो पैरा क्योंकि प्लस मिजोमरिक दिखा रहा है। लो जी, सीओ ग्रुप भी है, बाद में कुछ भी हो, हमें मैटर नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो जाएगा, ठीक है जी। और क्लोरो लोन पेयर होने की वजह से है, तो इसका माइनस आई स्ट्रॉन्गेस्ट, लेकिन माइनस आई इलेक्ट्रॉन का सिर्फ शिफ्टिंग ट्रांसफर माइग्रेशन ओरिएंटेशन है, परमानेंट ट्रांसफर नहीं है, तो ये रिजल्टेंट हमारे पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही होता है। तो जिस पे हमने स्पेशली मार्क किया वो एक तो यहां हमारा नाइट्रो साइनो, उसके अलावा CuR, ये हमारा COS, तो 4 ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो मेटा डायरेक्टिंग बिहेव कर रहे हैं। लो जी, 88, 89, 90 लास्ट के 3 क्वेश्चन की बात हो रही है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन स्ट्रक्चर ऑफ एटम का क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ऑल द कंप्लीटली फिल्ड सबशेल्स हैविंग n=4, s=+2.5 इस और r। ध्यान से सुनना, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे क्या क्या रहा है वो पहली बात, एन की वैल्यू 4 चाहिए तो मैंने 4 लिखा, और एस की वैल्यू +2 चाहिए, तो एक बात समझो, अगर एन 4 है और पूछा क्या सब शेल्स, ठीक हुई बात, तो एल की वैल्यू क्या होगी 0 1 2 3, इतनी बात समझ में आ रही है। अब ये कौन है जी, 4s 4p 4d एंड 4f, अब मेरे से कोई पूछेगा सर इसमें ऑर्बिटल कितने होंगे, ऑर्बिटल का फॉर्मूला क्या होता है n स्क्वायर, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स विल बी देयर, 4 स्क्वायर मतलब 16। अब सोचो आपको 16 ऑर्बिटल्स को एक सीक्वेंस में बनाना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से लेकर 16 तक, और हर एक में आपको दो दो इलेक्ट्रॉन भरने को मिलेंगे, लेकिन वो आपसे क्या कह रहा है, वो आपसे क्या कह रहा है कि हमें वो इलेक्ट्रॉन्स वाले सबशेल बताने हैं, ऑर्बिटल बताने हैं जो ओनली वन स्पिन वाले हों, तो
इधर प्लस हाफ और माइनस हाफ में से प्लस हाफ वाले, तो यहां भी दो आए, यहां भी दो आए, यहां भी दो आए, तो 16 में से 32 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ माइनस हाफ वाले होंगे और 16 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ वाले होंगे। तो अगर आप इस लॉजिक को समझे तो एक बार क्वेश्चन को फिर पढ़ते हैं। हमें कहा गया सबशेल की वैल्यू, शेल की वैल्यू 4 है, एस की वैल्यू प्लस हाफ चाहिए, एन प्रिंसिपल है, स्पिन क्वांटम नंबर है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं। तो हमारे पास एन 4, एल की वैल्यू 0, 1, 2, 3, हाउ मेनी सबशेल्स 4, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स 16, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स 32, 32 में से 16 क्लॉकवाइज वाले और 16 एंटी क्लॉकवाइज वाले। लो जी, सम ऑफ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO एंड NO प्लस, केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन काफी देर बाद है। इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर भी 3 है, क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रॉन्स 14 है। जब इन दोनों को जोड़ा गया तो क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस फर्स्ट पेपर ऑफ जेई मेंस 2024 ऑफ द जनवरी सीरीज। फ्रॉम द गिवन लिस्ट द नंबर ऑफ कंपाउंड्स विद 4 ऑक्सीडेशन स्टेट, भाई साहब यहां 6 है, कितना स्टूडेंट फ्रेंडली क्वेश्चन है। यहां 4 है, यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, यहां सल्फर 6 है, यहां सल्फर 6 है। तो हमें 3 ऐसे कंपाउंड दिखे, सल्फ्यूरस एसिड, थायोनिल क्लोराइड, SF4, जहां सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +4+4+4+4+4 दिख रहा है। ठीक है जी, तो इस पेपर को देखे ध्यान से, पूरा ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आपको साफ साफ दिखेगा कि केमिकल बॉन्डिंग का MOTC क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसके अलावा केमिकल बॉन्डिंग के डाइपोल मोमेंट से क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसके अलावा अगर मैं मोल कॉन्सेप्ट की बोलूं तो स्टोकियोमेट्री का क्वेश्चन पूछा हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करूं तो क्वांटम नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है जी, ये कंप्लीट हो गया हमारा 29th के मॉर्निंग सेशन का जेई मेंस का पेपर। ठीक है, तो इससे आपको एक आइडिया हो गया होगा कि मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन भी है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का भी है, पीरियोडिक टेबल के नियो डैमियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन पूछा हुआ है, केमिकल बॉन्डिंग का डाइपोल मोमेंट और एमओटी का क्वेश्चन पूछा हुआ है, स्टेट्सोमीटर गायब हो चुका है, उसके बाद इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। ठीक हो गई बात, फिर आप नोमेनक्लेचर में भी घुसी गए। ठीक हो गया, आइसोमेरिज्म में भी टोटोमेरिज्म का क्वेश्चन पूछ ही लिया, तो ऐसे करके कवरेज बंदे ने सारे टॉपिक्स की उस दी ही है। पी ब्लॉक का उसने वैलेंसी ऑफ द फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडीन का क्वेश्चन पूछ लिया, तो कवरेज तो है कुल मिलाकर। तो केमिस्ट्री वाले सर अब मूव कर रहे नेक्स्ट पेपर पर, जो कि 27th की इवनिंग में हुआ था। तो यहां अब जीओसी का क्वेश्चन फिर दिख रहा है आपको, आपसे वो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है द ऑर्डर ऑफ रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। तो रेजोनेंस में स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, किसकी कम है, इस पर क्वेश्चन बनाकर डिस्कस कर रहा है। तो एक बार मैं सिर्फ क्वेश्चन को ही हाईलाइट कर देता हूं जिससे कि आप इस क्वेश्चन को प्रॉपरली देख पाए और समझ पाए। लो जी, अब देखो ये स्ट्रक्चर एक न्यूट्रल स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर एक न्यूट्रल स्ट्रक्चर है। ठीक हो गया, इधर चले, यहां आपके पास रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ये। अब हुआ क्या, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, कार्बन पे पॉजिटिव है, यहां 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, यहां पूरा के पूरा 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, यहां भी 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इस ऑक्सीजन के पास अकाल पड़ गया इलेक्ट्रॉन्स का। तो अब हम इन दोनों स्ट्रक्चर को देखते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट 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 लेकिन कार्बन पे प्लस, ऑक्टेट कंप्लीट 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 लेकिन ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज, तो कार्बन पे नेगेटिव और ऑक्सीजन पे नेगेटिव में से ऑक्सीजन का नेगेटिव ज्यादा एक्सेप्टेबल है। पहले क्या देखना होता है, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, उस बिहाफ पे पहला वाला तो विनर हो ही गया, पहला वाला तो विनर, इन दोनों में लड़ाई चल रही थी, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज, तो जो सबसे ज्यादा स्टेबल है 1 है, फिर 2 है, फिर आपके पास 3 है। तो सीधे सीधे इसका पहला आंसर मैंने केमिस्ट्री वाले सर ने यहां अप्लाई कर रखा है 1, 2, 3 करके। कंफ्यूजन हो तो आप डिस्कस कमेंट बॉक्स में जाकर कर सकते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग हैलाइड्स और आर
विल नॉट शो SN1। तो SN1 किसका करेक्टर है जो स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा। ये स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाने को तैयार पड़ा हुआ है क्योंकि यहां आपके पास क्या बन चुका है, अलाइल। ठीक है, ये कार्बोकेटाइन स्टेबल क्या, इसका तो बॉन्ड फिशन में दिक्कत हो रही है तो कट गया, यहां कार्बोकेटाइन स्टेबल बन जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग हैलाइड ऑफ विल नॉट शो, तो एक आंसर तो यही किया, ये आपके पास एक आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन बन जाएगा जो बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, वो आंसर आपको सेकंड पता चल गया होगा और शो भी ए बी डी है। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। तो बी केवल ऐसा है जो SN1 में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, कारण मैंने आपको बता ही दिया है। अब चलते हैं जी 63 नंबर क्वेश्चन। केमिस्ट्री वाले सर चैनल पर आपको लगातार उन पेपर्स के बारे में डिस्कशन करने को मिल रहा है और जेई को पढ़ने के बाद आपको नीट का ट्रेलर मिल जाएगा और अप्रैल सीरीज के जेई के पेपर के लिए आपका मटेरियल तैयार हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द रस्टिंग ऑफ आयरन। बच्चे रस्टिंग ऑफ आयरन का क्वेश्चन है और ये आपके पास है कोरोजन, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन थोड़ा सा हो गया है। रस्टिंग ऑक्सीडेशन प्रोसेस है क्योंकि रस्टिंग पे हम बात नहीं कर रहे। कोटिंग ऑफ आयरन सरफेस बाय द टिन प्रिवेंट्स, इसको थोड़ा सा आप कनेक्ट कर ले, किसके साथ कनेक्ट करेंगे, ये कोरोजन का क्वेश्चन हुआ तो इन्होंने कहा कोटिंग ऑफ आयरन सरफेस बाय टिन। मान लो आयरन का ऑब्जेक्ट है आपके पास, ठीक है, इसको टिन की कोटिंग कर दी हमने, टिन की कोटिंग कर दी, ठीक है, प्रिवेंट्स रस्टिंग, वो रस्टिंग रोकता है। इवन इफ द टिन कोटिंग इज पील्ड ऑफ, ये गलत बात होगी, वैसे भी देखो ना जो आयरन का ई नोट है उस बिहाफ पे टिन की रस्टिंग उस पे वैलिड नहीं है, उसकी रस्टिंग रुक नहीं पाएगी। अब बेसिक मीडियम रस्टिंग रोकता है, ठीक बात है, एसिडिक ऑक्साइड SO2 NO2 इन वॉटर कैटलिस्ट का काम करते हैं, एसिडिक मीडियम प्रमोट करता है। कभी आपने सुना होगा ना कि घरों में जब हम रस्टिंग को रोकना चाहते हैं तो पेंट से पहले रेड ऑक्साइड करवाते हैं, तो बेसिक मीडियम है वो, बेसिक मीडियम ऑलवेज प्रिवेंट्स द कोरोजन एंड एसिडिक मीडियम प्रमोट्स द कोरोजन। रस्टिंग ऑफ आयरन इज इमेज्ड और हाइपोथेसिस ऐसी है एज सेटिंग अप ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल, बिल्कुल जी, रस्टिंग का प्रोसेस पूरा की पूरा एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेटअप होता है। मान लो आयरन का रस्टिंग हो रहा है तो आयरन ऑक्सीडाइज होएगा, ये फिर काम करने लगता है एज द एनोड, और जो दूसरा वाला एंड है जहां से रस्टिंग शुरू हुई है H+ का मीडियम, वो काम करता है कैथोड, तो पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सेट का सेल का सेटअप मिलता है ये। तो पहला जो ऑप्शन है वो इसमें गलत हो गया। अब चलते हैं जी 64 क्वेश्चन पे। गिवन बिलो स्टेटमेंट आ गया, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है, पिछले वाले पेपर में तीन थे ऐसे। इन द लेंथेनोइड्स डीएनए ब्लॉक का क्वेश्चन है, द फॉर्मेशन ऑफ सीरियम प्लस फोर इज फेवर्ड बाय इट्स नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, बात तो बिल्कुल ठीक कह रही है। तो बोथ स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट तो हमारे पास बिल्कुल ठीक आ ही गया है, बोथ स्टेटमेंट में स्टेटमेंट नंबर वन तो ठीक आ ही गया है। चलो, क्योंकि बच्चे पता है क्या है, सीरियम जो है ना वो 58 नंबर पे है और जैसे ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसका कॉन्फिगरेशन आपके पास जिनोन वाला हो जाएगा, और जिनोन कौन से नंबर पे आ रहा है, 54 नंबर पे। तो जिनोन ने चार इलेक्ट्रॉन, सीरियम ने चार इलेक्ट्रॉन डोनेट किए और जिनोन का कॉन्फिगरेशन एक तो ये फेवर हो ही रहा है। दूसरी बात पता है क्या होती है इसके अंदर, कि इसका जो ई नोट है वो भी प्लस 2 वोल्ट के आसपास है। तो अगली बात क्या लिखी उसने, सीरियम प्लस 4 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट रिवर्टिंग टू द कॉमन ऑक्सीडेशन, ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जितने भी आपके एब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो थर्ड बी से कनेक्टेड है, उनका जो कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर है वो प्लस 3 है, तो चाहे कोई प्लस 2 से प्लस 3 में आए तो वो इटसेल्फ ऑक्सीडाइज होकर रिड्यूसिंग एजेंट होएगा। नोट्स में पढ़े आप मेरे और लेक्चर देखे, वो कोई 4 से 3 में आए तो इटसेल्फ रिड्यूस होकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है और स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन था ये, देखिए प्लस 2 वोल्ट के आसपास का इसका ई नोट है। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन हैविंग ऑल द एलिमेंट्स विद डिटेक्ट, कितना आसान क्वेश्चन हुआ ये, आप केमिकल सॉरी स्ट्रक्चर ऑफ एटम से भी मान लें
या फिर निकल क्रोमियम आयरन टाइप सी है तो इसको आप डी ब्लॉक से भी मान ले। तो डीएनएफ के दो क्वेश्चन सिक्वेंस में हमें मिल गए हैं। तो आयरन कोबाल्ट वैसे एक सिंपल तरीका, जिंक कैडमियम मर्करी प्लस टू प्लस टू प्लस टू में, कॉपर एजी एयू प्लस वन प्लस वन प्लस वन में। कौन से कॉन्फ़िगरेशन के साथ अपनी जिंदगी जी रहे, 3D10 4D10 5D10, ये भी सेम 3D10 4D10 5D10। तो जहां आपके पास कॉपर मिला, क्लियर, चूज द करेक्ट ऑप्शन हैविंग ऑल द एलिमेंट्स विद D10। कॉपर मिला चाहे प्लस वन में हो, यहां जिंक प्लस टू में हो, कैडमियम प्लस टू में हो, मर्करी प्लस वन सिल्वर प्लस वन में हो, तो यह D10 कॉन्फिगरेशन आपको मिल जाएगा। हाँ, इसमें भी मिलता है D10, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, क्रोमियम में नहीं है, कॉपर में है, आयरन में नहीं है, क्रोमियम में नहीं है, निकल में नहीं है, कोबाल्ट में नहीं है, निकल में नहीं है, आयरन में नहीं है, क्रोमियम में नहीं है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है जहां आपको D10 कॉन्फिगरेशन दिख जाएगा। तो अवेयर रहिएगा कॉन्फिगरेशन को लेकर। तो केमिस्ट्री वाले सर आपसे पेपर टू का डिस्कशन कर रहे, फिनोलिक ग्रुप कैन बी आइडेंटिफाई बाय द, फिनोलिक ग्रुप कैन बी आइडेंटिफाई बाय अ पॉजिटिव, कौन सा टेस्ट करूं कि मैं फिनोलिक ग्रुप को आइडेंटिफाई कर पाऊं। फिनोलिक ग्रुप के लिए हमारे पास एक इंडिकेटर बनता है जिसको आप बोलते हो फिनोलिक थलीन टेस्ट। ल्यूकास एल्कोहल्स के लिए, टोलेंस एल्डिहाइड्स को कीटोन से डिफरेंशिएट करने के लिए, कार्बाइल अमाइन प्राइमरी अमाइंस के लिए, ये CHO ग्रुप के लिए, ये प्राइमरी अमाइंस के लिए, ल्यूकास एल्कोहल्स के लिए, जबकि थलीन डाई टेस्ट, देखिए कार्बाइल अमाइन टेस्ट किसके लिए, ल्यूकास किसके लिए, टोलेन, ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिनोल मेंशन मैं कर देता हूं। होता क्या है, अगर आप दो फिनोल के मॉलिक्यूल्स, दो फिनोल के मॉलिक्यूल्स को थैलिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाएं, तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में माइनस वोटर होकर सामने फिनोल्थ्रीन बनता है जो कि एक एसिड बेस इंडिकेटर है। ओरिजिनल कलर इसका कोई है नहीं, मतलब कलरलेस है, लेकिन अगर इसको बेसिक मीडियम में रखा जाए तो पिंक कलर देगा, तो उसको हम थलीन टेस्ट करके फिनोल का टेस्ट, इसको आप प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कैटेगरी में डाल सकते हैं। मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ सेकेंड होमोलोगस इन द होमोलोगस सीरीज ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, पप्पू पेपर, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का जो पहला मेंबर है वो HCOH जिसको फॉर्माइका एंड बोलते हैं, और फिर CH3COOH एक कार्बन इसमें एक्स्ट्रा आ गया। तो जहां दो कार्बन वाला आपको मिलेगा, जहां दो कार्बन आपको मिलेंगे फॉर्मूला भी मैच करना चाहिए। तो CH3COOH एसिटिक एसिड जो आप विनेगर सिरका बोलते हो, जिसको आप नूडल्स में डाल के खाते हो, तो ये थोड़ा सा पेपर कंपेरेटिवली एक दो क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स मान ले तो ठीक है। टेक्निक यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ स्टीम वोलेटाइल वॉटर इमिसिबल सब्सटेंसेस इज, वर्डिंग सुनो इसकी, स्टीम वोलेटाइल वॉटर इमिसिबल सब्सटेंसेस, ध्यान करो ऑफलाइन वालों, कुछ दिख रहा है ऐसा कि सर ने क्या क्या करा रखा है क्लास में? तो आंखें कान और उससे ज्यादा दिमाग अपना खुला रखो, तो सारी बातों को आप सिक्वेंस में समझ जाओगे, सिक्वेंस में समझ जाओगे। तो सीधा सीधा आंसर है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो किसी भी हालत में इसका आंसर होने वाला है नहीं, केमिस्ट्री वाले सर आपको बता रहे हैं ये बात। उसके बाद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर ही उनके लिए जो अपने बीपी पे टूट जाते हैं, डिस्टिलेशन तो एक कॉमन टेक्निक हुआ, स्टीम डिस्टिलेशन इज द आंसर बिकॉज ये आईटी वालों का फेवरेट क्वेश्चन है। ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल विच आर, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल जो कि, ऑर्थो की बात करूं तो वो इंटरा हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से स्टीम वोलेटाइल है, स्टीम में तो घुलता है लेकिन पानी में नहीं घुलता है। The final product A formed in the following, थोड़ी typical type की, अब पहली हमने organic की reaction देखी है यहां, ये styrene है, benzene ring पर ethanol जुड़ा हुआ है, ये styrene है, इस पर anti-Markovnikov type का
एडिशन ऑफ वोटर हुआ, बच्चों को याद आ गया होगा, एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन ऑफ वोटर हुआ, तो एक जगह हमारे पास मार्कोवनिकोव का अपोजिट आंसर आकर एच जुड़ा और दूसरी जगह ओ एच जुड़ा। अब आप एचबीआर लेके आ रहे हो, जब भी कोई एल्कोहल एचबीआर से रिएक्शन करेगा तो वहां सीधे सीधे एक बीआर अटैच हो जाएगा। अब अगली बार क्या होगा, मैग्नीशियम से वहां ग्रिगनार्ड रिएजेंट बन जाएगा, देन फॉर्मेल्डिहाइड का यहां पानी की प्रेजेंस में, क्योंकि ग्रिगनार्ड जब फॉर्मेल्डिहाइड पे रिएक्शन करेगा तो ये सब हटकर वहां CH2OH आ जाएगा। तो हाउ मेनी कार्बन वॉज देयर, टू, नाउ हाउ मेनी कार्बन आर हियर, थ्री। तो कुल मिलाकर फिनाइल 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 तो फिक्स है, ब्रांचिंग होने के चांस नेग्लिजिबल है, ब्रांचिंग होने के चांस नेग्लिजिबल है, और तो कुछ हुआ नहीं है। तो थोड़ा सा हम लास्ट ऑप्शन भी देख लें, लोजी बल्ले बल्ले, या फिनाइल CH2CH2 ऑलरेडी थे, नया CH2O एंटर मारा, इसकी वजह से ग्रिगनार्ड में अगर एक कार्बन आपने बढ़ाना हो, प्राइमरी एल्कोहल बनाते हुए एक कार्बन आपने बढ़ाना हो, प्राइमरी एल्कोहल बनाते हुए एक कार्बन बढ़ाना हो, तो आप फॉर्मेल्डिहाइड के साथ ग्रिगनार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करवाते हो। और मैं अपनी ट्रिक्स में बताता हूं, जब भी ग्रिगनार्ड रिएजेंट फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन करेगा तो एक कार्बन बढ़कर आपका आंसर आएगा, ये पूरा की पूरा ग्रुप यहां इंट्रोड्यूस हो जाना है। ठीक होगी बात। लो भाई, सॉल्यूशन पे अब मैंने लिख दिया, गौर करने की नीड नहीं है। ये हमारा 40वां क्वेश्चन है, 40th क्वेश्चन, मैच लिस्ट वन, मैचिंग टाइप का क्वेश्चन पीछे नहीं था, अब मैचिंग टाइप का क्वेश्चन हमारे पास आया है, मैचिंग टाइप का क्वेश्चन अब हमारे पास आया है, तो इसको थोड़ा मैनेज कर ले, नीचे नीचे आपको शायद दिख ही रहा होगा, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। लो जी, देखो इस क्वेश्चन को, आपसे वो डिस्कस कर रहा है कि इस मैचिंग टाइप का क्वेश्चन जो कि अभी तक पिछले पेपर में इग्नोर था, अब यहां डिस्कस हो रहा है। देखो फिनोल को ना आपने सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है, ठीक हो गया, तो क्या ये काम सोडियम डाइक्रोमेट कर पाएगा, क्या NaOH और मिथाइल क्लोराइड कर पाएगा, क्या NaOH और क्लोरोफॉर्म कर पाएगा, NaOH HCl कर पाएगा, और नीचे एक ऑप्शन हो रहा है आपके पास NaOH CO2 HCl। तो थोड़ा सा मुझे अब हल्का सा शक हो रहा है कि मुझे फोर्थ आंसर पे यानी फोर्थ ऑप्शन पे टिक करना चाहिए, क्यों? इसको बोलते हैं कोल्ब्स रिएक्शन, इसको बोलते हैं कोल्ब्स रिएक्शन। फिनोल पर NaOH लेते हैं 3-5 ATM पर, CO2 साथ रहेगा और बाद में हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, तो एक के साथ फोर्थ की मैचिंग दो जगहों पर है। ठीक होगी बात। चलो तो अब चलते हैं जी सेकंड पे, फिनोल से आपने बनाया सैलिसिलल्डिहाइड। सैलिसिलल्डिहाइड के लिए आपको याद होगा रिमेटिमान रिएक्शन होती है, जहां हम लोग क्लोरोफॉर्म लेते हैं, ठीक है जी, बेसिक मीडियम में, और बाद में हाइड्रोलाइज करते हैं, तो बी के साथ गारंटीड थर्ड मैच करेगा, बी के साथ गारंटीड थर्ड मैच करेगा, तो आंसर आपका फोर्थ आ जाएगा। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हमारी जो रिएक्शंस हैं उनमें एक रिमर्टिमान रिएक्शन, जैसे कि उसने बोला फर्स्ट रिएक्शन जो है कोल्ब श्मिट, दूसरी रिमर्टिमान, तीसरी ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल, लास्ट सिंपली फिनोल पे बेसिक मीडियम में हमने एक रिएक्शन में ये एनिसोल बनवा रखा है। तो एनिसोल बनाना हो, अगर देखो बच्चे, अगर एनिसोल बनवाना हो, ठीक है, तो एनिसोल बनाने के लिए आपने सबसे पहले एच हटाकर एनए लाना है, ये एच हटाकर यहां एनए लाना है, तो वहां आपको बेसिक मीडियम रिक्वायर्ड होगा, बेसिक मीडियम रिक्वायर्ड होगा। लेकिन फिर मिथाइल पुट करना हो तो क्या करें, जो सेकंड ऑप्शन में था वहां NaOH से रिएक्शन हुई, एच हटकर एनए आ गया, देन आफ्टर मिथाइल क्लोराइड से रिएक्शन करवाई, जिससे ये आपका एनिसोल का फॉर्मेशन हो गया, एनिसोल का फॉर्मेशन हो गया। चलिए जी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो आपको मिलता है मेजर प्रोडक्ट फॉर्मड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये ईथर की रिएक्शन हो गई है, ये ईथर की रिएक्शन हो गई है, ईथर की। तो ध्यान से देखना भाई, क्वेश्चन में पूछा हुआ, ये हमारा टारगेटेड 21st क्वेश्चन शुरू हो चुका है,
इस पूरे वीडियो का मेजर प्रोडक्ट फॉर्मड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज अ मिक्सचर ऑफ। तो जब एच आई की रिएक्शन करवाओगे, और मैंने अपने नोट्स में आपको बता रखा है, अगर किसी मिक्सड ईथर पर आपके पास टर्शरी ब्यूटाइल हो, अलाइल हो, बेंजाइल हो, जहां स्टेबल कार्बोकैटायन बनता हो, तो उस स्टेबल कार्बोकैटायन से हम SN1 रिएक्शन करवाते हुए टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड बनाएंगे, तो साइक्लोहेक्सेनॉल साथ में बना टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड। ठीक है जी, तो कहीं ना कहीं ये मेरे पास साइक्लोहेक्सेनॉल है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल भूल जाए, दोनों अल्कोहल बन नहीं सकते, साइक्लोहेक्सेनॉल है, टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड मेरे पास आंसर में बन रहा है SN1 रिएक्शन को ओबे करते हुए, SN1 रिएक्शन को ओबे करते हुए। बोन लाइन नोटेशन ऑफ द OHCH साइनो होल्टोइज, तो इसको आप यूं मान सकते हैं कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इसको कनेक्ट करेंगे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इस कार्बन को एक डॉट के फॉर्म में लिख दिया जाए, इस पर OH लिख दिया जाए, फर्दर हम CN लिख दें। तो बोन लाइन नोटेशन, आपके पास एक कार्बन पर दो साइनो OH, तो कुछ भी नहीं छोड़ रहा, वो हर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा, हर कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा। आप कहीं भी अगर वीक है तो समझ लीजिए फिर आप पेपर अटेम्प्टेशन की एलिजिबिलिटी खो देंगे। ऑक्सीजन बीइंग द फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप 16 एग्जिबिट्स ओनली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आपको पता था एलिमेंट डिस्कशन का टॉपिक पी ब्लॉक में बचा हुआ है। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, ठीक है जी, जो कि आप सुन के जेई वालों के लिए थोड़ा सा पेपर डालना मुश्किल है, 300 क्वेश्चन बनाने, 300 आगे बनाने, पूरी किताब लिखनी है उन लोगों ने, जबकि नीट वालों के लिए ऑन द सिलेबस लिखना आसान रहेगा, क्योंकि उनको एक ही पेपर बनाना है, 50 क्वेश्चन लिखने। तो अभी तक जो मेरे 52 क्वेश्चन हुए, एक क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस मिला मुझे, कोरोजन सिलेबस से बाहर है। ठीक है जी, ऑक्सीजन बीइंग द फर्स्ट मेंबर, तो ऑक्सीजन पहला मेंबर है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, बिल्कुल परफेक्ट बात है जी। डाउन टू द ग्रुप 16 ग्रुप की स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस, ये थोड़ा सा पंगा हो गया, इट शुड बी इंक्रीजेस +4, क्योंकि वहां लगता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, और जब इनर्ट पेयर इफेक्ट लगेगा, जब कभी इनर्ट पेयर इफेक्ट लगेगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो ग्रुप नंबर 16 है उसकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं पहला स्टेटमेंट तो ठीक है और पहला मेंबर इसीलिए, और दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो मुझे ढूंढना पड़ेगा यहां बोथ स्टेटमेंट 1 और 2। इन्होंने देखो क्या लिखा, ऑक्सीजन बीइंग द फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप 16 एग्जिबिट्स ओनली लिखा है, ओनली, ये थोड़ी गलती हो गई है, ओनली वर्ड ने हमें गड़बड़ कर दिया। अगर ये लिखता ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, फ्लोरिन के साथ +1 भी है, फ्लोरिन के साथ +2 भी है, परोक्साइड्स में -1 भी है, सुपरऑक्साइड्स के साथ -1/2 भी है, तब हम इसकी बात को कंसीडर कर लेते, ओनली की वजह से ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए हैं। ठीक है जी, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना भी एक आर्ट होएगा, जो मैंने हल्की फुल्की मिस्टेक की वहां। चलिए बात करते हैं 74th क्वेश्चन की, सीधे सीधे पूछा हुआ है D2SP3। देखो D2SP3 ना कोवेलेंट कंपाउंड्स का करेक्टर नहीं होता, तो उसको तो आप भूल ही जाए। अब चार कोऑर्डिनेशन नंबर में sp3 d2 या d2 sp3 हो नहीं सकता, तो 6 वाला सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, इसमें मैंने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई बी फॉर्मड इन द रिएक्शन, इसको थोड़ा सा जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर आए थे ना उसमें कंफ्यूजिंग फॉर्म में लिखा हुआ था, अब थोड़ा सा हम टारगेट करके इस पे काम कर सकते हैं। देखो हुआ क्या, आपके पास CH2, ठीक है जी, फिर फर्दर CH2, यहां CH2, और इस CH2 पर यहां भी Cl है, यहां भी Cl है। जब आप एक्सेस ऑफ अमोनिया यूज करोगे तो यहां आपके पास NH2 आएगा, तो A बनेगा। अब जो A बना उस पर आपने क्या डाल दिया, NOH डाल दिया, तो फिर NOH डालने से एक B बना हुआ है, तो पॉसिबिलिटीज क्या है, चार कार्बन तो आपके पास है ही, तो 1, 2, 3, 4, और दोनों साइड कौन लग रखा है, NH2। तो यू मान लें कि नेबरिंग और पार्टिसिपेशन जैसी रिएक्शन हो रही है, नेबरिंग और साइन ऑफ हिटिंग, यहां NOH है, हिटिंग साइन है नहीं, तो पॉसिबिलिटी फर्स्ट की भी है, पॉसिबिलिटी सेकंड की भी है, पॉसिबिलिटी थर्ड की भी है, पॉसिबिलिटी फोर्थ की बिल्कुल भी नहीं है। तो जैसा मैंने इसका सॉल्यूशन लिखा,
ये क्लोरीन क्लोरीन एक्सिस, तो यहां मैंने NH2 छाप दिया, ठीक हो गया। जब ये एक्सिस था तो यहां उन्होंने NH3 + Cl, मतलब उसका सोल्ट बना दिया, ठीक होगी बात। अब जो NaOH की प्रेजेंस में वीक बेस बाहर हो जाता है, जब भी आप एक फंडामेंटल यूज करेंगे स्ट्रोंग एसिड हो और वीक बेस हो, जैसे कि सोलवे प्रोसेस एस ब्लॉक में हम पढ़ा करते थे, उसमें जब NaOH डालोगे स्ट्रोंग बेस बेस कैन डिस्प्लेसेस द वीक बेस फ्रॉम देयर सोल्ट्स। तो यहां NaCl बना, पानी बना और अमोनिया की रिकवरी हो गई। तो हुआ क्या, जैसी आप NaOH के साथ हीट करोगे तो इसमें से ये जो वीक बेस का NH2 होएगा वो रिकवर हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और जनरल भी आप पे भी सोचो कि हीटिंग का साइन है नहीं, तो माइनस अमोनिया करने में मुझे डर लग रहा है, क्योंकि यहां अगर मैं नॉर्मल भी काम करता, अगर मैं यहां ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा, नॉर्मल भी काम करता, तो मैंने 4 कार्बन और Cl हटकर, क्योंकि अगर मैं यहां RCl ले लूं, रिएक्शन विद अमोनिया करवा दूं, हां तो मेरे पास SN रिएक्शन होकर RnH2, आप लिखते हो ना एक्सेस ऑफ अमोनिया से, तो दोनों साइड के Cl हटकर दोनों साइड के की जगह NH2 आ गई। अब यहां जो A बना वो बेसिक मीडियम है, तो इसीलिए उन्होंने यहां पंगा लिया कि एक्सेस ऑफ अमोनिया, तो आप यहां अमोनियम क्लोराइड का सोल्ट बनाकर आओ, फिर बेस की प्रेजेंस में NH2 की रिकवरी कर लो। हीटिंग का साइन होता तो मुझे लगता है ये पहला आंसर हम टिक कर सकते थे, ठीक है। 76 मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, जिसके बारे में सिर्फ एक सेकंड में आप निकल सकते हो। मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, ऑल आर टेम्परेचर बाय, ऑल आर अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। तो उसने कहा विच चेंज विद मोलैरिटी, हां जी, मास परसेंटेज नो, मोलैरिटी नो, मोल फ्रैक्शन नो। तो एक सेकंड में निकल सकते हो, मल्टीपल टाइम पूछा गया क्वेश्चन। तो केमिस्ट्री वाले सर आपसे 27th की इवनिंग शिफ्ट का जो सेकंड पेपर हुआ वो डिस्कस कर रहे हैं, कौन सा स्ट्रक्चर इंटेक्ट रहता है जब आप किसी भी एग की बॉइलिंग करवा रहे हो, कोएगुलेशन ऑफ एग कर रहे हो, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर कभी नहीं बिगड़ता, सेकेंडरी टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी ये बिगड़ जाएंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर बिगड़ने का कोई चांस नहीं है। 78th क्वेश्चन हुआ इस पेपर का, और वैसे हमारा टोटल 58th क्वेश्चन हुआ, Which of the following can't function as the oxidizing agent? जो minimum oxidation number में होगा वो कभी भी as oxidizing agent काम नहीं कर पाएगा, और जो intermediate होगा वो दोनों काम कर लेगा। यहां nitrogen का जो oxidation number है वो -3 है, यहां oxidation number 6 है, +6 sulfur का maximum है, यहां plus का 5 है, ये intermediate है, ये +7 है, तो इस सारे में से ये ओनली ऑक्सीडाइजिंग, ये ओनली ऑक्सीडाइजिंग, ये दोनों काम करता है, जबकि ये ओनली रिड्यूसिंग काम करता है। तो वही क्वेश्चन आपसे उसने पूछा था, तो सीधा सीधा हिट करने वाला क्वेश्चन हुआ। चलिए, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉन्फर्मेशन ऑफ इथेन, इसको हाइड्रोकार्बन चैप्टर से हम मान लें, दिस क्वेश्चन इज कम्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन चैप्टर, हाइड्रोकार्बन चैप्टर से द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉन्फर्मेशन ऑफ इथेन। देखो, इथेन के कॉन्फर्मेशन ही सिलेबस का पार्ट है। प्रोपेन, मैंने प्रोपेन भी करवाया क्लास में, ब्यूटेन भी कराया, साइक्लोहेक्सेन भी करवाया, ज्यादा करवा दिया है, लेकिन साथ में मैसेज भी दिया है कि हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ इथेन है। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉन्फर्मेशन ऑफ इथेन, इथेन के इनफाइनेट और इनकरेक्ट पूछा हुआ उसने, क्या इनफाइनेट नंबर ऑफ कॉन्फर्मेशन एग्जिस्ट करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल करते हैं। The dihedral angle in staggered conformation is, the dihedral angle, बिल्कुल, जब आप किसी एक eclipse form से 0 degree का dihedral angle घुमाकर 60 degree पर लेकर आएंगे, तो ये eclipse form, ये eclipse form staggered form में convert हो जाएगा, eclipse form staggered form में कन्वर्ट हो जाएगा। इथेन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्फर्मेशन, ठीक बात है, 0 से 60 ये आ जाएगा। इक्लिप्स कॉन्फर्म इज अ मोस्ट स्टेबल, ये कबाड़ा हो गया, क्योंकि इक्लिप्स फॉर्म मोस्ट अनस्टेबल स्ट्रक्चर है ड्यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेन्स। तो ये इसका आंसर सीधे सीधे हमारे पास थर्ड आएगा। लो जी, अब जो ऑब्जेक्टिव है उसकी एंडिंग हो रही है, सेक्शन ए की एंडिंग हो रही है, और हमारे 50th क्वेश्चन की एंडिंग होगी। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग,
लॉजिक चेक कर लेते हैं। फोटोग्राफी में AGBR यूज हो रहा है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का लास्ट पार्ट है फोटो सेंसिटिव होने की वजह से, और इनकरेक्ट कह रहा है। पॉलीथीन प्रिपरेशन में क्या ये रिएजेंट यूज होगा? हाँ जी, जीगलर नट का कैटलिस्ट है TiCl4 स्कैंडियम टाइटेनियम, 22 नंबर वाला टाइटेनियम विद Cl4 जीगलर नट का कैटलिस्ट करके यूज होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट के बिल्कुल एंड का पैराग्राफ जरूर पढ़िएगा। हेबर प्रोसेस में आयरन और मोलिब्डेनम है, आयरन कैटलिस्ट है, मोलिब्डेनम प्रमोटर है, ये भी ठीक है। वोकर प्रोसेस में यहां PDCl2 है बच्चे, जबकि आप क्या यूज कर रहे हो? PTCl2, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक होगी बात। चलिए अब हमारे 30+20 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब हम सेक्शन बी के बचे हुए 10 क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। टोटल नंबर ऑफ आयंस फ्रॉम द फॉलोइंग विद द नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन, देखो इसको ना बड़ा सिंपल खेलना होगा आपको। देखो ये आपका सेकेंड ए का मेंबर है, ये नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन दिखा देगा। CGM फर्स्ट ए का मेंबर है, ये नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन, क्योंकि फर्स्ट ए सेकेंड ए तक पहुंचने का रास्ता नोबेल गैसेस है। अगर इसको +1 बनाओगे तो नोबेल गैस, इसको +2 बनाओगे तो नोबेल गैस। तो पहला दूसरा आंसर तो पक्का टिक होंगे ही होंगे। लेंथेनम की बात कर ले, 57 पे है, 2 इलेक्ट्रॉन घटाओगे तो ये 55 पे आएगा, जो कि CGM का कॉन्फिगरेशन है, इसको काट दो। लेड पे जाओगे तो लेड आपका 82 नंबर पे है, 2 इलेक्ट्रॉन घटाओगे ये आपके पास 80 पे आ जाएगा। 80 पे आने का मतलब है ये मरकरी का कॉन्फिगरेशन दिखाएगा, तो मरकरी का कॉन्फिगरेशन हमें यहां, मरकरी का कॉन्फिगरेशन हमें यहां जिंक जैसा भी देख ले। तो 3D10 और पूछा था उसने फॉलोइंग विद नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन, तो दो आंसर तो हमारे पास सीधे सीधे बनेंगे बनेंगे। लेंथेनम हमारा +2 होने की वजह से बन नहीं पाया। अगर ये लेंथेनम +3, 57 में से 2 घटाओगे 55, अगर ये 3 घटा देता तो मैं इसको इस सीरीज में डाल सकता था। लेड 82 नंबर पे, मरकरी का कॉन्फिगरेशन, तो जिंक का कॉन्फिगरेशन क्या है? 3D10 4S2, इससे पहले क्या है? 3S2 3P6। सिमिलरली नीचे जाते जाते मुझे 3 की जगह 4 5 5 5 6 मिल जाएगा। तो यहां सूडो नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन है मरकरी में, ठीक होगी बात। लेड में मरकरी बनने की वजह से। ट्रीबियम 70 नंबर पे आ रहा, 2 घटाने से 68 कभी भी नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन नहीं आ पाएगा। आयरन है 26 नंबर पे, 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 3D6 है, ये भी नहीं आ पाएगा। तो मुझे थोड़ा सा इस आंसर पे ऑब्जेक्शन लग रहा है, अगर वो नोबेल गैस विद सूडो नोबेल गैस बोलता तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? 3। अदरवाइज आंसर क्या आएगा? 2। जो आयंस आपको दिख रहे होंगे, इतने समझदार तो आप भी हैं। लो जी अगला क्वेश्चन हमारे पास है, देखो स्ट्रोंशियम क्रिप्टन है, CGM जिनोन है, और ये खुद ही नहीं जस्टिफाई कर पा रहे यहां पर, तो ये मेरे अकॉर्डिंगली भी आंसर 2 ही है, और जो सॉल्यूशन है उसके अकॉर्डिंग भी आंसर 2 ही है, 5s2 5p6। ये इट्रीबियम की बात कर रहा है, इट्रीबियम में हमारा आउटर मोस्ट 5s2 5p6, और लेंथन में 5d1 है, 5d10 6s2 है, ये तो मैंने बताया था मरकरी जैसा हो गया। तो मे बी चांस कि इट्रीबियम में हमारा इट्रीबियम का नंबर था 70, 70 में 5s2 5p6 अगर ये आउटर मोस्ट चेक कराएगा तो इट मे बी द चांस कि 3 आंसर आ जाए इट्रीबियम +2 का। थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा हो गया और ट्रिकी हो गया, इसको हमें टारगेट करना बनता है। क्यों? क्योंकि 5s2 5p6 तो नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन ही, और ये आउटर मोस्ट भी पड़ा हुआ है। ठीक होगी बात, इट्रीबियम में जा सकते हैं हम लोग। नॉन पोलर मॉलिक्यूल केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की सर्चिंग हो रही है। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन जो हमारे पास था, नंबर ऑफ नॉन पोलर, नॉन पोलर का मतलब हुआ कि जहां आपके पास पोलरिटी डाइपोल मोमेंट 0 आ रहा हो, ठीक है। HF डायटोमिक बाइपोलर मॉलिक्यूल है, वाटर का डाइपोल मोमेंट अप्रोक्सीमेट 2 डिवाई के आसपास है, ये बेंड मॉलिक्यूल है, तो जिनके बीच डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 हो, उन डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट क्या होगा? 0 होगा। इसके लिए आपको मेरे केमिस्ट्री वाले सर चैनल पर एक डाइपोल मोमेंट की वीडियो देखनी पड़ेगी, इससे कटाक कटाक सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। लीनियर मॉलिक्यूल है, म्यू 0 होएगा। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, अकॉर्डिंग टू हाइब्रिड स्टेट बना, म्यू 0 हो जाएगा। ये NCERT में अमोनिया का NF3 से कंपैरिजन करवा रखा है, ये पोलर ही होगा। यह डायटोमिक है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉन जीरो है, और जब मैं इन्हीं दो पेपर में डिस्कशन कर रहा था तो क्लोरोफॉर्म का डाइपोल मोमेंट भी नॉन जीरो हुआ था, पिछले पेपर में आया था।
BF3 सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, जीरो हो जाएगा। तो चार मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनका डाइपोलमेंट जीरो है। इस टाइप के क्वेश्चन को लेकर मेडिकल वाले भी अवेयर रहे, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। चलिए, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99%, सीधा सीधा फॉर्मूला है वैसे देखा जाए तो, अगर आप नोट्स में झांकोगे तो T 99.9% इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ। इतना तो पढ़कर आप पेपर में पहुंचेंगे। अगर आपको लगता है नहीं नहीं मुझे तो इसको लंबा सोल्व करना है, तो फिर क्या करें आप, टी हाफ आपको पता ही है 0.693 डिवाइडेड बाय के, या फिर 2.303 लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाय के। जबकि टी 99.9% अगर आपने निकालना हो, टी 99.9% अगर आपने निकालना हो, तो 2.303 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के इंटीग्रेटेड फॉर्मूले को लिखा जाए, लॉगरिथम ऑफ 100 और जो बची हुई क्वांटिटी 0.1 है, तो ये 1000 लॉग 1000 इज इक्वल टू क्या होता है 3, और इसको जब सोल्व करोगे 0.303, तो 0.3 का 3 से अप्रोक्सीमेट 10 गुने का 10 टाइम्स का रिलेशन है, 10 गुने का रिलेशन है। तो नेक्स्ट आपके पास सेमी स्टाइल के क्वेश्चन में फिर आ गया, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ स्क्वायर प्लेनर, साफ साफ लिख गया, और वैसे भी पीटी है, चार कोऑर्डिनेशन नंबर है, बच्चे जो मेरे साथ में पढ़े हुए उनको पता है पीटी जब भी प्लस टू में हो और चार कोऑर्डिनेशन नंबर हो तो हमेशा स्क्वायर प्लेनर ही होगा। वो कह रहे जी इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालो, तो अब देखो निकल के नीचे पीडी है, पीडी के नीचे पीटी है, इसका कॉन्फिगरेशन 3D 8 4S 2 है, ये एक्सेप्शनल था, 3D की जगह 4D 10 5S 0, जिसकी वजह से कॉन्फिगरेशन तक बदलना पड़ा। तो यहां जो पीटी है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने के बाद, और वैसे भी जो ईएनसी है वो 4D और 5D वालों में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हाई है, तो इसका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा DSP2 करके स्क्वायर प्लेनर। और जब स्क्वायर प्लेनर बोल दे बच्चे, तो फिर आपको 5D8 जब लिखोगे, 6S0 जब लिखोगे, तो क्या करना होगा, प्लेटिनम प्लस टू में इन इलेक्ट्रॉन्स की रिवर्स पेयरिंग, 1 2 3 रिवर्स पेयरिंग, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जब पेयर हो गए तो जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट है वो इसका जीरो हो जाएगा। ये थर्मो का क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन नंबर हमारा 55th चल रहा है, फॉर अ सर्टेन थर्मोकेमिकल रिएक्शन एम चेंज टू एन एट टेम्परेचर 400 केल्विन हुआ, डेल्टा एच स्टैंडर्ड किलो जूल में है, और डेल्टा एस आपको जूल में है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है। तो सर सिंपल सी बात है, पहले हम इसको क्या करते हैं, यहां डेल्टा एच भी है, डेल्टा एस भी है, टी भी है, तो ये मैंने लिखा जी किलो जूल में, डेल्टा एच, डेल्टा एस मैंने लिखा जूल में, तो ये भी जूल में कन्वर्ट कर ही लिया, इससे 28,400 जूल डेल्टा एस डेल्टा जी नोट आ गया। फॉर्मूला आपको पता ही है, -2.303 RT लॉगरिथम ऑफ के, सोल्व करके फिर आप इसके फाइनल आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है जी, तो सिंपल फॉर्मूले का यूज और मेडिकल की क्लासेस में भी, नॉन मेडिकल की क्लासेस में लगातार बोलता रहता हूं, यू शुड यूज और कलेक्ट द फॉर्मूलाज ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूलों का कलेक्शन करें, वॉल्यूम ऑफ 3M। क्वेश्चन सुनिएगा बच्चे, ये लिखी मोलैरिटी, वॉल्यूम ऑफ 3M NaOH, मोलिकुलर वेट उसने NaOH का 40 बता दिया, विच कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम 84 grams, ये इसका मोलिकुलर वेट हुआ। अब गेम क्या खेला उसने, वॉल्यूम पूछ लिया, ये हमारे पास इन मिलीलीटर लिखा हुआ है, ये 1000 से डिवाइड मार दिया, तो इसकी वैल्यू 3 दे रखी है, तो 40 × 3 = 120/84, और यहां हमारे पास इसको इसी में आना था, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, तो यहां हम लोग क्या करते हैं, इसको यहां से काट देते हैं और वॉल्यूम इस जगह ले जाते हैं, 84 × 1000
डिवाइडेड बाय 120, 3 इंटू 40 इज इक्वल टू 120. कैंसलेशन पे जाओगे तो आपके पास वॉल्यूम एग्जैक्टली मेंशन होके आ जाएगा मिलीलीटर में, और मिलीलीटर में फिर हजार का डिवाइड मारोगे तब लीटर की तरफ बढ़ जाओगे. ठीक है जी, ये 12.7 जा 84 हो गया, स्टूडेंट फ्रेंडली क्वेश्चन हो गया. ऊपर आपके पास 700 है, नीचे 1000 है, तो 0.7 लीटर. ठीक है, तो ऊपर भी उसने दिया था, ये अगर मैं 0.7 लीटर लिखता हूं तो इसको मैं 7 × 10⁻¹ लिख सकता हूं. तो उसने इस इंटीजर की वैल्यू हमसे डिस्कस की है. 1 mole of PbS इज ऑक्सीडाइज्ड बाय x मोल्स ऑफ O3. तो ये आपके हाइड्रोजन चैप्टर की भी रिएक्शन है, ये आपके क्वालिटेटिव की भी रिएक्शन है. PbS का ओजोन से रिएक्शन हुआ और वो कह रहा है कि ऑक्सीजन बनी, और Pb एक ब्लैक कलर का कंपाउंड है जो ओजोन से रिएक्शन करता है, तो ये PbSO4 बनाएगा और चार ऑक्सीजन बाहर जाएंगी, 4 ओजोन 4 ऑक्सीजन में बदलेंगे, तो ब्लैक कलर व्हाइट कलर में कन्वर्ट होगा. मैटर ये नहीं कर रहा, क्वेश्चन पूछ रहा है 1 मोल है इसका, तो कितने मोल ओजोन के यूज हो रहे, कितने मोल ऑक्सीजन के बन रहे, दोनों का सम आपसे आंसर में डिस्कस कर रहा है. हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ pH 3. ठीक हो गया, pH 3 से मतलब क्या हुआ, pH 3 टेम्परेचर 298 केल्विन है, पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड विल बी, वैसे तो सीधा सीधा फॉर्मूला हम यूज करते हैं लेकिन मैंने इसका नीचे सॉल्यूशन लिखा, उसको आप चेक करें. 2H+ का इलेक्ट्रॉन तो ये लिख दिया उसने SRP, क्या लिख दिया भाई SRP, SRP कैसे पता चला, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर 0 में बदला हुआ है. E cell, E cell naught, बच्चों को पता है जो E cell naught है, ये वाली वैल्यू फॉर SHE 0 है, -0.0591 इनटू, अब हुआ क्या, ये जो माइनस का साइन है ठीक हो, और H+ को मैं ऊपर ले गया, H+ को मैं ऊपर ले गया, अगर नहीं लेके जाना तो सीधे सीधे इस प्रेशर की वैल्यू 1 कर दो, माइनस लोग H+ और 2 से 2 कैंसल हो जाएगा, वो कलेक्टिवली 3 है, और जैसे ही उसको मल्टीप्लाई करोगे 0.0591 से तो सीधा सीधा आपके पास आंसर मैच कर जाएगा. ठीक है जी, आपको बात हो सकता है समझ में आई, ये 0 पुट कर दो, -0.0591/2 है, तो मैंने क्या किया इसकी जगह प्लस लिख दिया एक बार, और इसको लॉगरिथम ऑफ H+ का स्क्वायर प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, ये 2 मल्टीप्लाई होके आ गया है तो कैंसल हो गया. आपके पास जो log H+ है उसमें मैंने -3 मेंशन कर दिया, -3 क्योंकि pH 3 है, वो है ना pH 3 है, और -log H+ = 3 है, तो -+ तो ऑलरेडी हो चुका था, तो हम यहां -3 पुट कर देंगे, उससे हमारे पास आंसर माइनस में आएगा कैलकुलेट करके, और फिर उसको फाइनली हम एक्सप्रेस कर देंगे. ठीक है जी, और हमसे पूछ रहा है वो, अगर हम डेटा पे जाए क्वेश्चन पे जाए यहां, तो आंसर मेरे पास क्या आया, 17.7 × 10⁻², ये तो ऑलरेडी दिया था, तो -17.7 को हमने यहां क्या लिखा हुआ जी, 18. अब एक एनिलीन है आपके पास, उसको हमने रिएक्शन करवाया, एनिलीन, लो जी एनिलीन असाइल SN रिएक्शन होगी, CH3 CO CH3 एसिडिक एनहाइड्राइड से 9.3 ग्राम, इसका मोलिकुलर वेट कितना बच्चे 93. ठीक है, और गिवन क्या है 9.3 ग्राम, और मोल कितने 9.3 / 93.1 मोल टू प्रिपेयर एसिड एनिलाइड. बिल्कुल अच्छी बात है, प्रोटेक्टेड एनिलीन बोलते हैं हम इसको हमारी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड चैप्टर में, ये प्रोटेक्टेड एनिलीन बन गई है. द मास ऑफ एसिड एनिलाइड प्रोड्यूस्ड इफ द रिएक्शन इज 100% कंप्लीटेड, तो बड़ी सिंपल कहानी. इसका मॉलिक्यूलर वेट अगर हमें दिया हो, गिवन मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम पर मोल इन सब का है, तो इसका फॉर्मूला बना लूं मैं, C6H5, यहां आपके पास NH है, यहां CU है, यहां मिथाइल है, तो बड़ी सिंपल सी कहा कि अगर ये 0.1 मोल हमें यूज होता हुआ दिख रहा है तो इसका 0.1 मोल ही बनेगा, तो मॉलिक्यूलर वेट को 0.1 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे
आपके पास फाइनली आंसर तक आप रीच बना लोगे। चेक कर लें एक बार, ये जो मैंने लिखा यहां तक इसका मॉलिक्यूलर वेट 135 है तो काम आसान हो गया। 93 गिव्स 135, 9.3 गिव्स 13.5। अब इस पेपर का और 27 की एंडिंग हो रही है, ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है? टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड विद कायरल कार्बन एटम्स फ्रॉम द फॉलोइंग। चेक कर लेते हैं जी, अगर आपके पास एक स्ट्रक्चर में एक मिथाइल हो, एक एचो, sp3 हाइब्रिड कार्बन टू डिफरेंट ग्रुप्स है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पाथ डिफरेंट ट्रेस हो रहा है, तो ये भाई सब कायरल हैं। यहां क्लॉक एंटी क्लॉक की बात तब करेंगे जब sp3 हाइब्रिड कार्बन पर दो डिफरेंट ग्रुप लगे होंगे। फिर मैं आपको बताया था इस पर एक एच, एक NO2, एक COOH, एक हमारा इथाइल है, तो ये कायरल हो गया। ऐसा करते हैं कायरल को हम क्रॉस से डालते हैं, सी कायरल सी का, ठीक हो गया। यहां मेरे पास BR है, H है, इथाइल इथाइल, ये फेल हो गया, डबल क्रॉस लगा दिया। तो अब तक हमारे पास सिर्फ दो आए हुए कायरल मॉलिक्यूल, इसमें देखा आई लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है, CH2NO2 लगा हुआ है, तो ये हमारे पास डबल क्रॉस से सिंपल क्रॉस वाला कायरल, ऐसा ज्यादा उलझाते नहीं बात को। ये कायरल हुआ, ये नहीं हुआ, ये कायरल हुआ, ये नहीं हुआ, ये कायरल हुआ, ठीक होगी बात। चलो जी इस पे नजर मार ले, H है, OH है, इथाइल है और पूरा ग्रुप है, तो ये भी कायरल हो गया नीचे वाला। इस पर मिथाइल है, H है, पूरा ग्रुप है, अगर इसकी बात करूं तो ये भी कायरल हो गया। तो कुल मिलाकर 5 मॉलिक्यूल इसमें कायरल हो गए हैं। और अगर आप नोट्स पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के, तो आपको ये बात रियलाइज हो जाएगी कि टीचर ने कायरल कार्बन आइडेंटिफाई करने बताए थे, कायरल कार्बन इन ओपन चेन स्ट्रक्चर, कायरल कार्बन इन द क्लोज चेन स्ट्रक्चर, ये सब कुछ आपको डिस्कस किया हुआ है केमिस्ट्री वाले सर। ये वीडियो आपके लिए एक्सक्लूसिवली लाए थे कि आप पढ़ पाए, समझ पाए चीजों को। अब अगला डिस्कशन मेरा 29 तारीख के पेपर का है, ठीक है। इस वीडियो को प्रॉपरली देख लें, सीधे सीधे 60 क्वेश्चन इसमें कवर हो रखे हैं। थैंक यू, चैनल सब्सक्राइब किए भी मत जाना, और चैनल अगर सब्सक्राइब करते हो तो यूजफुल इंफॉर्मेशन, यूजफुल वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। मैं मनोज कुमार बंसल आपसे विदा लेता हूं, केमिस्ट्री वाले सर, थैंक यू।